हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, इट्स अ वेक अप कॉल। थैंक यू। गेट अप, इट्स ऑलरेडी 5:30। कम ऑन, वी हैव टू मूव नाउ, गेट अप। जस्ट पैक अप नाउ। वांट सम कॉफी? वांट सम मिल्क? तुम्हें शर्म नहीं आती? राम, गेट अप नाउ। कॉफी? ओ बेबी। या इट इज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हे, मॉर्निंग। हैव यू एंजॉयड योर वीकेंड सर? वो आपके दिए जाने वाले बिल से पता चलेगा। ऑफ कोर्स, यू आर अ रेगुलर कस्टमर, वी आर गिविंग यू 12% डिस्काउंट। ओह, थैंक्स अ लॉट। It's a pleasure to serve you again, sir. And your cab is also ready. Thank you. Thank you. What, yaar? Driver, us auto ke paas rokna. Walking ke liye main bhi chal rahi hu. Haan, Sekku, aaja, aaja. दादी जी, आपका भाई यूएस से? कल ही आई हूँ बेटा। और बच्चे कैसे हैं? अब उनका क्या है, डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं, सब बिजी हैं। दादी जी, इन 2 महीनों में आपने मेरा रेंट मिस किया और मैंने आपके हाथों का अचार। घर वालों ने बताया तुम बैंगलोर गए थे, अभी लौट रहे हो क्या? हाँ? बस एक और स्पून। गुड बॉय युवा, लास्ट वन। हाय स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मिस यू मेरी जॉन। मिस यू बेटी। मिस यू टू मॉम। सेमिनार कैसा रहा बेटी बेंगलुरु में? फैंटास्टिक, इट वाज रियली वेरी नाइस। पर इस बार थोड़े थके हुए लग रहे हो। इस बार थोड़ी मेहनत ज्यादा हो गई जान। वीकेंड्स में इतना वर्कलोड क्यों लेती हो बेटी? एक नया प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ ना, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तो फिर अपने ऑफिस के कार्तिक की हेल्प ले लेते। नो नो, आई कैन हैंडल इट। अपना सोलो परफॉर्मेंस ही होता है। What say you? Always right. Thank you, Daddy. You're welcome, dudes. राम, तुम कहीं भी जाओ पर बच्चों को नहीं भूलते ना? ये बच्चे ही तो हमारा भविष्य है। पर मेरे लिए कुछ नहीं लाए ना? ओके ओके ओके, स्कूल बस आ जाएगी, मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। ओके, मीनवाइल यू गो एंड फ्रेश। स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी जाओ। जाओ ना। वैसे राम, बताना भूल गई, तुम्हें कार्तिक ने 3-4 बार मोबाइल पर ट्राई किया था, एक बार उससे बात कर लो। ऑफिस में आएगा ना, वही बात कर लेता हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट हो रहा है। क्या आया था? क्या लड़की है यार, बैग से भी पाशा बसु। फ्रेंड से जूनियर आर्टिस्ट है यार। सुबह सुबह शुरू हो गए नालायक कहीं। वाओ, क्या चीज है यार। हाँ? सच बोला रे, लगता है चांद धरती पे उतर आया है। नाम पूछोगे तो रात में पार्टी दूंगा यार। मैं ट्राई करता हूँ। चुप रे शर्मा, तू जा रे। अभी राहु काल है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। Hi, you must be Geeta. No, I'm Swati. You're from CBIT, right? No, from Badruka. Oh. पहले आपके दांतों में ब्रशेस हुआ करते थे ना? पैरों में चप्पल भी होते थे। सॉरी, आपके साथ फ्लर्ट करना मुश्किल है, मैं समझ गया। I'm Kartik. आप मुझे अच्छी लगी, कॉफी पे चलें? Good boy. लेकिन मैं कॉफी नहीं पीती। Some cocktail? Wow! Really? Yeah. Come on, let's go. Please. क्या यार?
ये यूं आया और यूं पटा कर लेकर चले गया, ये कोई मामूली छिछोरा नहीं लगता है। वो छिछोरा नहीं है बल्कि तुम लोग छिछोरे हो। क्या बोल रहे हो चाचा? सच बोल रहा हूँ, वो लोग लवर्स नहीं है बल्कि वाइफ और हस्बैंड है। हस्बैंड अपार्टमेंट से कार लेने जाता है तो वाइफ यहाँ पर वेट करती है उसका। नई नई शादी हुई ना तो ऐसे ही मजे करते हैं। कम अंकित सर, दिस इज अवर वर्क प्लेस। वंडरफुल ऑफिस सर। नए में सब कुछ वंडरफुल ही लगता है, पुराना होते ही पेनफुल हो जाता है। ये क्या सर, उस चेयर को क्लीन करके आप इस चेयर पर बैठ गए? फ्यूचर टेंस में पता चल जाएगा, पहले चेयर लेकर यहाँ आओ, लोगों से इंट्रोड्यूस करता हूँ। वाओ, एज यूजुअल ऑन टाइम, कार्तिक स्वाति, ब्यूटीफुल कपल इन आवर ऑफिस। यू आर राइट सर, वो दोनों मेड फॉर ईच अदर ही लग रहे हैं। नो, दे आर मैड फॉर ईच अदर। हाय रोस। हाय। वाओ, कौन है ये फिगर? सॉरी सर। सही हो तुम, फिगर ही है वो, साइज भी जीरो, ब्रेन भी जीरो। डिनर के बजाय डेट पे आती है, सिनेमा के बजाय घर पे आती है। बहुत बड़ा दिल है इसका, ऑफिस में हर कोई इसे अपना काम चलाता ही रहता है। शी इज रियली हॉट सर। सुनो, अभी पहली सैलरी भी नहीं मिली है, इतनी जल्दी मत पटाना। बाप रे, ये फिगर कौन है? वो फिगर नहीं, लड़की है। ऐसा लगता है किसी संस्कार को ही साड़ी पहना दी गई है। नाम है नेत्रा। ऐसे मुंह खोलकर देखेगा तो कर दूंगा तेरी हत्या। वो काम में कितनी सिंसियर है जानते हो? दिन में दो बार ही सिर उठाती है, एक बार सूर्य नमस्कार करते समय, दूसरा बॉस को नमस्कार करते समय। इतनी तारीफ सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उससे प्यार करते हैं। वो लड़की फिट है और आप फैट है, पटेगी क्या? पटेगी। कुछ लड़कियां एक हफ्ते में पटती हैं और कुछ एक महीने में या एक साल में पटती हैं, लेकिन इन लड़कियों को पटना ही पड़ता है, ऐसा किसी स्टार ने बोला है ब्रो। थैंक यू कार्तिक। गुड मॉर्निंग। ही इज मिस्टर राम है ना? यस, और ये हैं इस कंपनी के बॉस, वेरी स्ट्रिक्ट, नॉन अल्कोहलिक एंड 100% वर्कहोलिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय सौदी। हाय कार्तिक। हाय। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे फोन क्यों किया था? नथिंग इंपॉर्टेंट। क्या सोच रहा है, फैमिली मेंबर्स की तरह क्यों बात कर रहा है? यही ना, राम कार्तिक दोनों फैमिली मेंबर्स हैं, को ब्रदर्स। ऐसा क्या? यस। लकी गाइस। यस। हाय एवरीवन, नीड योर अटेंशन प्लीज। थैंक यू। 15 ब्रांचेस, 10,000 करोड़ टर्नओवर, 20,000 पीपल, 2,000 कपल। And this year, best couple award goes to Kartik Swati. Kartik Swati. Yes, you're right. It's Kartik and Swati. Congrats, Kartik. Thank you. Congrats, Swati. Thank you so much. Congrats, Kartik. Thank you. Congrats, Swati. Thank you. But please do not blame me. इसीलिए मैंने recommend नहीं किया था. They just deserve it. And annual day को present करने वाले हैं. We should celebrate this occasion. हम कहाँ जा रहे हैं कार्तिक? सरप्राइज बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। दिल को छूने वाले सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर फुल टू बिंदास सुनिए, गुनगुनाइए और खो जाइए। ए वेट वेट, अच्छा सॉन्ग है, वॉल्यूम बढ़ाओ। अभी हम लोग बापटला बीच पर हैं। Yes, सफर से ज्यादा मंजिल इम्पोर्टेंट होती है। मिडनाइट, मूनलाइट, कैंडल लाइट, यूरोपियन वाइन, मैक्सिकन डिनर, इससे अच्छा रोमांटिक प्लेस कौन सा हो सकता है हमारे सेलिब्रेशन के लिए? You're really, really romantic husband, Kartik. Yes, I am. Cheers to this beautiful moment with my beautiful wife. Cheers. Hey. खुशी वाइन पे मत दिखाओ, इंडिया में बिकने वाली आसानी से चढ़ जाती है। डोंट अंडरएस्टिमेट गर्ल्स,
I can handle a full bottle. Bet? Okay, fine. अगर मैं हार गई तो? हाँ, हार गई तो? 30 minutes continuous kiss करूँगी. Wow, what a romantic idea. चलो, okay. Come on. Start. Yeah, done. Oh my God. लड़कियां बात करने में फर्स्ट, तो लड़के पीने में फर्स्ट. So, come on. Give me a second. कार्तिक, अपनी शादी के दिन से ज्यादा आज का ये दिन हमेशा याद रहेगा. थैंक यू फॉर द मेमोरेबल डे. आई मीन इट. आई नो हम बेस्ट हैं ये सिर्फ हमारे घर वाले जानते थे, लेकिन आज हम बेस्ट हैं ये पूरा ऑफिस जान गया है. या ट्रू, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बेस्ट कपल अवार्ड मिलने के लिए मेजर रीजन मैं ही हूँ ना. हेलो मैडम, असल में ये मेरी वजह से है. व्हाट डू यू मीन? देखो, हम हफ्ते में 5 दिन लड़ते हैं. मैं कहता हूँ स्वाति इसमें बेस्ट है, उसमें बेस्ट है, कलीग्स और फ्रेंड्स में मेरी वजह से ही तुम्हें पब्लिसिटी मिली है. ऐसा तो मैंने भी बताया है ना. मैं बेस्ट हूँ इसलिए तुमने बताया. मतलब मैं नहीं हूँ क्या? ऑफिस जाने के 5 मिनट पहले तुम उठती हो. ड्रेसिंग टेबल के अलावा डाइनिंग टेबल तुमने कभी नहीं देखा. किचन में टी पाउडर कहाँ है तुम्हें ये भी नहीं पता है, और फिर भी तुम बेस्ट हो. हाउ सिली. बाथरूम में सिगरेट की बदबू होती है, कॉफी पीते भी इतना साउंड निकालते हो, फ्रेंड्स उधारी मांगे तो इंस्टॉलमेंट के नाम पर झूठ बोलते हो, एंड वर्स्ट थिंग, आज की तारीख में दहेज लेकर शादी की है तुमने. तुम बेस्ट कैसे हुए? लुक स्वाति, लास्ट संडे तुमने प्रॉमिस किया था कि दहेज के टॉपिक पे बात नहीं करोगी. तुम भी ड्रेसिंग टेबल की बात नहीं करोगे, प्रॉमिस किया था. ओके, लीव इट. हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं. हो गया सेलिब्रेशन, लेट्स गो. लेट्स गो. अगर तुम्हारी माँ के लिए शादी नहीं की होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती. व्हाट डिड यू से? मेरी माँ के लिए? मेरी माँ के बारे में बोलने से पहले एक बार अपने पापा के बारे में सोच लो. इंजीनियरिंग की है मैंने, फिर भी मुझ पर लांछन लगाया. क्या कहा? तुम्हारी मासी रिश्तेदारों के सामने एक साड़ी के लिए किस तरह से लड़ रही थी, भूल गई क्या? और अपनी शादी कहाँ हुई थी? गौतमपुरी गंगारत्नम गजसत्रम में. शादी के लिए कुत्तों को भगाना पड़ा था. मंडप पसंद नहीं था तो वहाँ से चले क्यों नहीं गए? मैं तो कब का चला जाता, लेकिन डैड ने रोक लिया. कैसे नहीं रोकते? 1 करोड़ दहेज मिलेगा तो कुत्ता हो या बिल्ली दोनों एक हो जाते हैं. शट अप, अपना मुंह बंद रखो. लड़की सूर्यवंशम की सौंदर्य जैसी होनी चाहिए. लड़का हम आपके दिल में रहते हैं कि अनिल कपूर की तरह होना चाहिए. रेप होने के बाद भी अपना लिया, लेकिन तुम कैसे हो? रात में SMS आ जाए तो लाइट ऑन करके चेक करते हो. अगर मैं तुम्हारे बारे में जानता तो तुमसे शादी कभी नहीं करता. असल में तुमसे 1 महीने की भी पहचान होती ना तो तुमसे शादी ही नहीं करती. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तुम हो. तुमसे शादी करने के लिए मैंने परिणीति को छोड़ दिया. क्या परिणीति? शादी से पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी? यस थी. उसका नाम परिणीति थी और मैं उसके साथ खुश भी था. तो फिर मैंने भी लाइफ में 2 मिस्टेक्स किए हैं. पहला आरव रेड्डी को पसंद करना, दूसरा आरव रेड्डी को छोड़ना. आरव रेड्डी यानी तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड था? यस. तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई भी लड़की उसके लिए रिश्ता लेकर आने वाले को मेरे अफेयर्स हैं, बगल में फैंस हैं, कॉलोनी में क्यों है, ऐसा नहीं बताती. तेरी तो शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने भी तो नहीं बताया ना मुझे. मानता हूँ मैंने झूठ बोला. मैंने एक सच छिपाया.
अपने मनपसंद कॉलेज में पढ़ा, अपनी मनपसंद बाइक ली, लेकिन डैडी की पसंद वाली लड़की से मैंने शादी क्यों कर ली? मेरे लिए माँ ने बेस्ट कपड़ों का सिलेक्शन किया, बेस्ट ज्वेलरी सिलेक्ट की, लेकिन इस बेवकूफ को कैसे सिलेक्ट कर लिया? आज के दौर में मैंने अरेंज मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लव मैरिज होती तो असल में ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। आरव रेड्डी, हाउ गुड लुकिंग ही इज, अट्रैक्टिव हाइट, एक्सप्रेसिव आईज, इंप्रेसिव टॉक, अगर उससे शादी होती तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। परिणीति, पारू, उसका नाम उस पे सूट करता था क्योंकि वो मॉडर्न के साथ साथ ब्रॉड माइंडेड थी, डोंट माइंडेड थी। सच में उसकी याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। बीए कंप्यूटर कंप्लीट करने के बाद मैं हैदराबाद आ गया। आमिरपेट में 6 महीने का बेकार सा कोर्स करने के बाद उस दिन मैं एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग प्लीज। वेल मिस्टर कार्तिक, वी आर इंप्रेस्ड विद योर प्रोफाइल, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू काइंड ऑफ इंटरव्यू। तुम्हारा पसंदीदा हीरो कौन है? मेरा पसंदीदा हीरो? असल में मेरी नौकरी है सर। डोंट वरी मिस्टर कार्तिक, सब्जेक्ट है या नहीं, सब्जेक्ट के बारे में पूछना जरूरी तो नहीं। बोलिए। पावर स्टार। पवन कल्याण, उन्हें क्यों पसंद करते हो आप? कुछ पसंदों के कारण नहीं होते मैम, आंसर ही काफी होते हैं। उनमें ऐसा क्या स्पेशल है? वो खुद ही एक स्पेशल है सर। इंटर तक पढ़कर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया है ना? उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी सर, पढ़ना नहीं। He's our role model, ma'am. फिल्मों के सारे हीरोज ऐसे ही लगते हैं। बाकी हीरोज और इनमें क्या अंतर है? बाकी हीरोज के फैंस होते हैं सर, लेकिन इनके फॉलोवर्स हैं। And last but not least, fashionism में ब्लड होता है, communism में रेड होता है, पावरिज्म में सच होता है, और भरोसा करने वालों का फ्यूचर होता है। शाबाश। Beautiful. पसंद करने वाले हीरो के बारे में इतने यकीन से बोल रहे हो, आदर करने वाली कंपनी के लिए कितना कुछ कर सकते हो हम समझ गए हैं। You are selected for this job. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। वाह, क्या हुआ? एक बार उस लड़की को देखिए सर, वो अपने कैंपस में काम करती है सर। मे बी नॉट। देन आई डोंट वॉन्ट दिस जॉब सर। वॉट? आपने सही सुना सर, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर दी ऑफर, गुड बाय। ये कैसा लड़का है, एक लड़की के लिए 70,000 वाली जॉब छोड़ के जा रहा है। पावर स्टार का फैन जो है, इतना किक तो रहेगा ही उसमें। एक्सक्यूज मी, हाय। हेलो। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई नो। आई थिंक आई लव यू। व्हाट? यस, आपने सही सुना, अभी अभी आपके लिए 70,000 की नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। पर क्यों? आपकी कंपनी में ज्वाइन हो कि आपको पढ़ा सकूं, इसलिए। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इंश्योरेंस करवा लीजिए, सच कह रहा हूँ। अपना काम करो इडियट, कम लेट्स गो। हेलो, हेलो, सुनिए तो सही, अब सिर्फ आपको ही देखना काम है मेरा। जब से मैं हैदराबाद में आया हूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियाँ देखी, सबसे आई कॉन्टेक्ट तो हुआ लेकिन हार्ड कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम वो आपको देख के हुआ। आपका नाम? लेट्स गो। हेलो, आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, एटलीस्ट मेल आईडी तो बता दीजिए, प्लीज बताइए ना, प्लीज कम से कम फोन नंबर तो बता दीजिए। फोन नंबर चाहिए था? यस। 9949081। आपने नंबर इतना फास्ट बताया, एक नंबर भी याद नहीं कर पाया हूँ मैं। हैदराबाद में इतनी सारी लड़कियाँ देखी तुमने, सारी आई कॉन्टेक्ट ही थी ना, पर कॉन्टेक्ट तो मेरे साथ ही हुआ ना, अगर वो फैक्ट है तो नंबर भी याद रहेगा, याद आते ही फोन करना। गुड बाय। दिस इज टू मच यार। हेलो, हेलो, सुनिए तो सही, अच्छा दोबारा नंबर बता दीजिए। हेलो, अरे यार, अबे क्या बोल रहे तू? लड़की के लिए जॉब छोड़ेगा क्या यार? हे, आज की जनरेशन में जॉब से ज्यादा बेब मिलनी मुश्किल है, और जैसे ही कोई मिले उसे पटा लेना चाहिए। यहाँ फ्रेंड लिस्ट में देख यार, एक से एक सनी लियोन जैसी लड़की मिल जाएगी। चुप्पे, मैंने जिसे देखा वो सनी लियोन नहीं, समंत्रा है। अरे कोई भी मंत्रा हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। ये जॉब ढूंढने में लगा हुआ है और वो बेंच पर लगा हुआ है और मैं उधारी में लगा हुआ हूँ। अगर तुम इस तरह हाथ में आई नौकरी छोड़ दोगे तो अल्कोहल के लिए हम कब तक ऑनर के सामने हाथ जोड़ेंगे? फिर से झूठ बोल के उधार लेके आया क्या? जबरदस्त कॉमेडी शो में सेलेक्ट हो गया हूँ, कहते ही दे दिया। किसी शो में सेलेक्ट हो सकता है क्या? कलर पे मत जा भाई,
कंटेंट देख मेरे भाई, मेरे एक एक पंचेस पे बड़े बड़े स्टार पेट पकड़ के हंसते हैं बेटा। पैसे मिलेंगे ना तो हम भी नीचे गिरकर हंसेंगे। तू उसे हटा क्यों रहा है? क्या है यार, आयरन रॉड का पोस्टर लगा रहा हूँ। आयरन रॉड? आयरन रैंड, राइटर। राइटर से ज्यादा शूटर बेटर होते हैं। हाथ लगाए तो मार दूंगा, लगाना है तो बगल में लगा। मेरी मूर्ति पे हाथ लगाया तो तेरी कीर्ति मिटा दूंगा। वैसे भी तू मूर्ति जी का फैन कैसे बन गया यार? इंडिया में ऑनेस्टली सिनेमा बनाने वाला एक ही है, आज भी इंडस्ट्री में पैदल ही घूमते हैं ये। हॉलीवुड के लेखक के पीछे भागने से अच्छा है अपने देसी लेखक के पीछे भागो। चल हट फिल्मी पागल। हाँ, गौर कार्तिक। क्या कर रहे हो? अभी से शुरू कर दिया क्या? अभी नहीं किया अंकल, राहु काल चल रहा है ना। पीने के लिए भी राहु काल देखते हैं? यही तो इम्पोर्टेंट है अंकल, वरना उल्टी हो जाती। वाह 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 वाह, किस माँ की औलाद हो पता नहीं, दारू की कितनी अच्छी परख है। देखो बेटा कार्तिक, मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, मेरे बेटे को लेकर जाऊंगा तो पूरा खाना बफेलो की तरह खा जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए रात को तुम्हारे रूम पर छोड़कर जाऊंगा। इतना शौक क्यों हो गया भाई? कोई तकलीफ है क्या? इसमें तकलीफ क्या है अंकल, आपने हमें तो बम्पर ऑफर दिया है। बम्पर ऑफर? अच्छा वही आपके बेटे की देखभाल वाला ऑफर। अंकल सब कुछ अच्छे से देख कर आराम से आइए। थैंक्स। ओके कार्तिक, नीचे जाकर उसे ऊपर भेजता हूं। Yes! ये ले, जेम्स बॉन्ड सिनेमा में जाने पर पूनम पांडे मिल जाए, ये बिल्कुल वैसा ही ऑफर है, दोबारा नहीं मिलेगा। हे, अपना ओनर पहली बार घर से बाहर जा रहा है, कुछ प्लान करते हैं यार। अरे थोड़ी देर पहले ही ऑनलाइन एक मीडिएटर मिला है, प्रोग्राम प्लान करते हैं ना। लेकिन बाल बुलडू जगह क्या करेंगे यार? अरे वो तो बच्चा है, उसे बिस्किट से मैनेज कर लेंगे। तू क्या देख रहा है यार, जल्दी से चल। चलो अनुषा। अच्छा हुआ सो गया ये बाल बुलडोजर। हाय। कौन शोर मचा रहा है? तू उठ क्यों गया? कौन हो तुम लोग? टेंशन मत ले बेटा, मेरी दीदी और जीजा। तुम्हारी दीदी? या। फिर ये इतनी गोरी कैसे? जब ये पेट में थी तब मेरी माँ केसर पीती थी, और जब मैं पेट में था तब मेरी माँ काला खट्टा। पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तुम दोनों किस लिए झगड़ रहे हो? वो दीदी को अंदर लेकर जाने के लिए। ये तो रुक रहे, कमीना कहीं का। तुम्हारी दीदी को अंदर लेकर क्यों जा रहे? दीदी सबकी दीदी होती है ना, फ्रेश होने गई है। 81। वैसे आप करते क्या हो? व्यापार। और आपकी वाइफ? व्यापार। आप दोनों ही व्यापार करते हो? एक्चुअली उनका सारा व्यापार मैं ही संभालता हूँ। क्या है वो व्यापार? बॉडी नीड्स के नाम का ऑनलाइन बिजनेस है। ओहो। हे, इतना पसीना क्यों आ रहा है? हम दोनों अंदर खाना बना रहे हैं। खाना बन रहा है तो खुशबू आनी चाहिए, पसीना नहीं। वो मैंने अंदर बहुत मेहनत की ना। तुम्हारी दीदी अंदर खाना बना रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। मैं बिरयानी बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। ओ भाई मस्त है यार, तू भी जाना। नो थैंक्स। शर्मा मत यार, जाना। छोड़ यार, ए मेरी बात तो सुन। अरे यार कम हैव फन। सॉरी, रिंग रिंग। हेलो। बोलो बच्चा। बच्चा आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, फादर पीटर हैंस। ओह सॉरी फादर, रॉन्ग नंबर। गलत है बच्चा, प्रभु की मर्जी के बिना फोन नहीं लगता। हम यहाँ पापियों के सुधार के लिए एक संस्था बना रहे हैं,
अगर तुम कुछ मदद करोगे तो तुम्हारा भला होगा बेटा। अरे बाप रे, ये फादर कौन है? मेरे फादर से भी ज्यादा कमर्शियल है। हेलो। हाँ बोलिए सर, आपका एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस किस लिए? अरे सर, सेप्टिक टैंक भर चुका है इसलिए फोन किया। छी। स्वाति, इसे एक बार देख लो। वन मिनट। हेलो। यस। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। आवाज सुनते ही पहचान लू तुम कोई कुमार सानू हो। इट्स मी यार, कल कैंपस में मिले थे ना मुझसे। यस yes, आपने ही तो अपना नंबर दिया था। बस भी करो संस्कार की दुकान, लड़कियों को पटाने का और भी तरीका होता है। फोन रखो। दिस इज टू मच यार, कल आपने ही खुद अपना नंबर दिया और आज ऐसी बातें कर रही हैं। अरे बारिश के महीने में बाढ़ में तड़प कर बाहर निकलने वाले मेढक, फोन रखो। बाप रे, इससे जो भी शादी करेगा ना, शादी के मंडप में ही मर जाएगा। बोलो आरव। मैं जो भी बोलना चाहता हूँ वो सब इसमें है। क्या है ये? 4 साल का प्यार है मेरा ये तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन दिख रहा है। हाँ आरव, रैपर्स, पिंस, पेपर्स, स्टेंस, क्या है ये सब? तुम कचरे वाले हो क्या? मतलब स्वाति, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? मुझे प्यार ही पसंद नहीं है। इस एज में अट्रैक्शन ज्यादा और सोच कम होती है, सो अट्रैक्शन में फैसला लेना सही नहीं है। इसलिए मैं प्यार को नहीं, अपने पेरेंट्स को फॉलो करती हूँ। शादी का मतलब प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना नहीं है ना स्वाति, कि अपने पेरेंट्स को फॉलो करो? प्ले स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए भी मेरी माँ 10 जगह इंक्वायरी करवा चुकी थी, तो फिर वो मेरी शादी के लिए कितनी केयरफुल हो सकती है तुम सोच भी नहीं सकते। 4 साल का प्यार है मेरा स्वाति, ऐसे 4 मिनट में डिसाइड मत करो। मैं डिसाइड नहीं कर रही, डिक्लेयर कर रही हूँ। एक कॉलेज टॉपर के नाते, क्लासमेट के नाते तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसे मत बिगाड़ो। मेरी नजर में इनकी जितनी अहमियत है उतनी ही शादी से पहले प्यार के लिए है। क्या बात है, स्टेशन से खरीदा क्या है जो इतना मार रहा है? सब ब्रांडेड है यार, ये देख टॉमी हिल्फिगर। किस लड़की के लिए है ये? एक कंपनी के एचआर से मिलने जा रहा हूँ यार। अच्छा सुन, मेरी बाइक लेकर जा रहा हूँ। टैंक फुल करा देना, वजन से कहीं टायर ना फट जाए, 1.5 लीटर भर देता हूँ। चक्कर क्या है यार, इस समय ब्रांड फैक्ट्री बन के बाहर जा रहा है ये? कुछ तो गड़बड़ है यार। सब कुछ पता कर लेंगे। चलो अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? चाय पीने के लिए, तुम्हें भी चलना है? मैं नहीं जाऊंगा, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, 1000 दे दो मुझे। हम क्यों दें? परसों तुम्हारे दीदी जीजा जी आए थे ना, उसका फाइन। किस बात का बे? कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो, रुको बताता हूँ। डैडी परसों आप कुकर पल्ली गए थे, उन्होंने एक फिगर को। वो फिगर थी, तुझे कैसे पता बे? सुनो, मैं यूट्यूब बेबी हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह बात मत करो। तुमने जैसे दीदी कहा मुझे सब समझ में आ गया। वो मैटर थी, आने वाला मीडिएटर था, कवर किया ग्लैडिएटर ने। अब निकालो मेरा कमीशन। मेरे कुरात पले जाने पर क्या हुआ? इन सब ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। अच्छा, कैसे नहीं देखेंगे, सब हीरे हैं हीरे। आपका भी लड़का कुछ कम नहीं है सर, कोहिनूर है। ओके अंकल, हम निकलते हैं। Hey, what's up? Hi. तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। Yeah, come. Yeah, coming. Hey, ये HR से मिलने के लिए इस फॉर्म हाउस पे क्यों आए हैं? फॉर्म हाउस के अंदर कुछ हो रहा होगा यार। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है यार, हम यहीं से देखते हैं। हाँ, चल चलते। हेलो मैडम। हाय। हेलो मैडम, ये इन्फॉर्मेशन दिया ना। हाय हैंडसम, संजू संजना तुलसी, बहुत दिनों बाद सही लड़के को लेकर आया हूँ। टेक इट। थैंक यू मैडम। हे हैंडसम, कम ऑन। ये क्या है यार, ये क्या देख रहे हैं हम?
अबे दुनिया में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं सब इन्हीं की वजह से हो रहे हैं यार। मैंने तो सोचा था सिर्फ कॉल गर्ल्स होती हैं, ये तो कॉल बॉयज बन गया। ईस्ट सुर, वेस्ट सुर, नॉर्थ सुर, हे रामा, सेवन हिल्स, सीनू, श्री शैलम, मल्ली, मेरे यार को माफ कर दे स्वामी, मेरे यार को माफ कर दे। क्या कर रहा है? हल्दी का पानी, तूने जितने पाप किए सब धो रहा हूँ मैं। चल फुट बे। तू कहां से आ रहा है और क्या कर रहा है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? आने का रूट इम्पोर्टेंट नहीं है यार, रुपया इम्पोर्टेंट है। मतलब पैसे के लिए तू कुछ भी करेगा? क्या किया क्या मैंने? मर्डर या रेप, रोमांस ही ना। अपने शरीर की नुमाइश को रोमांस का नाम मत दे प्लीज। तू चाहे कुछ भी कह, जो किया वो गलत है। अगर ये गलत है तो परसों हमने जो किया वो क्या था? अपने फन के लिए लड़की को बुलाया, उनके फन के लिए मैं चला गया। गलती नाम की चिड़िया काम में नहीं पॉइंट ऑफ व्यू में होती है। ऊपर वाला कुछ लोगों में कुछ खास देता है, उसे इस्तेमाल करने आना चाहिए। इस ऐड वाली को बाल दिया है तो बालों के ऐड कर रही है, किसी को अच्छे दांत दिए तो वो दांतों के ऐड कर रहे हैं। मैं गुड लुक्स को बेच रहा हूँ, दैट्स इट, जस्ट ग्रो अप यार। क्या हो गया यार इसे, ये इतनी बहकी हुई बातें क्यों कर रहा है? क्या यार, मैं पूरे होश में बात कर रहा हूँ और मैं इस चीज से बहुत खुश भी हूँ। अकेले हम रूम ले नहीं सकते, इसलिए एक रूम में चार रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसलिए दोस्त भी बन गए। हम सबके हालत एक जैसी ही है, इसलिए दोस्त बन गए। इसके पास कलर नहीं है, इसके पास पर्सनालिटी नहीं है। तुम्हारे पास ये दोनों इसलिए कह रहा हूँ, किसी का नंबर याद नहीं आ रहा है, ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आए तो बोलो, तुम्हें भी मैं किसी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यू कैन शेयर माई रूम यार, बट यू कैन नॉट सेल माई कैरेक्टर। अगले चार दिन में नंबर याद नहीं आया ना, तो रात को जो देखा है वो याद करके खुद ही आएगा मेरे पास। चार दिन तो दूर की बात है, 24 घंटे में उस लड़की से मिलूंगा। Come on. देखो तो बेशम की तरह चिल्ला रहा है। Come on, you can do it. ये क्या डैडी, अंदर क्या हो रहा है? Come on. मोशन स्लो मोशन में हो रहा होगा। Yes. Four nine zero eight eight one eight two. Yes. Shame. अरे बेटा, क्या हो, ये जीमेल बाद में देखना, पहले अपना मेल बॉक्स बंद करो, जीमेल है यहाँ पर। अरे बाप रे मम्मी। पारू, मूवी की टिकट्स बुक कर दूं क्या? रेटिंग्स क्या है? सल्लू भाई की फिल्म की रेटिंग्स नहीं होती, रिकॉर्ड्स होती है। चलो कर दो, थोड़ी देर मसल्स ही देख लेंगे। हे हाय, हु इज दिस? हेलो ब्यूटीफुल, इट्स मी कार्तिक। हु इज कार्तिक? यस, बस जस्ट पुट ऑन फोन स्टपेट। हेलो, वन सेकंड। अरे मैं हूं यार, उस दिन कैंपस में मिला था, लव एट फर्स्ट साइड। जॉब छोड़ के तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था, और तुम छुटकारा पाने के लिए मुझे इतनी तेजी से अपना नंबर बता के गई थी। You did it. Yes. Surprising. How? कभी-कभी जिनके पास जॉब नहीं होती वो स्टीव जॉब्स की तरह सोचते हैं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, इस मेट्रो में मेरा कनेक्शन तुम ही हो। वैसे आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पूछो। यू मीन इट? यस। एक घंटे में पहुंच जाऊंगा। वन आवर? फेशियल करवा कर आओगे क्या? नहीं नहीं। देन कम डाउन इन 10 मिनट्स, आई विल टेक्स्ट माय एड्रेस। यस। ये क्या, इतनी जल्दी डेट? क्यों, डाउट है? नंबर पता लगा लिया तो यकीन कर लोगी? इंस्टिंक्ट पर यकीन करती हूँ, सोच पर नहीं। Sari, 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 sari,
हाय, अभी एक मिनट बाकी है। इम्प्रेस्ड। कॉफी विद कार्तिक, लेट्स गो। कंपनी विद परिणीति, नॉट सो सिंपल। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। बाइक पर नहीं चलूंगी। बाइक से नहीं चलोगी? तो फिर बस से चलें। आदत नहीं है। ऑटो पसंद नहीं है। कैब बुक कर दूं? कॉफी नहीं पीने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तो फिर कैसे? कभी कभी जॉब जिनके पास नहीं होते स्टीव जॉब्स की तरह सोचते हैं। थिंक बस बाइक ऑटो टैक्सी के बिना, बिना लिफ्ट के, बिना मनी खर्च किए, बिना चलाए मुझे नेकलेस रोड के FKF कैसे लेकर जाओगे? मतलब तुम सीधे तरीके से नहीं चलोगे? मैं बातों को घुमा कर नहीं बोलती। नहीं आना होता तो मना कर देती। वन सेकंड, अपना फोन देना। अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलोगे? वेट एंड सी। या सर, आप कार्तिक साहब हैं? हाँ। प्लीज सर, आप पीछे बैठिए। ठीक है सर। ऑडी Q5, ठीक है ना? प्लीज कम ऑन। आइए मैडम। कैच। गाड़ी कैसे लगी आपको मैडम? हाँ? मैडम को शॉक लगा। आप जाइए, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा। ठीक है सर। बस बाइक ऑटो टैक्सी को टच नहीं किया, पर्स से एक रुपए खर्च नहीं किया, वॉक करके 1 कैलोरी बर्न भी नहीं किया, बट वी रीच्ड आवर प्लेस। व्हाट्स हैपनिंग? लौटते वक्त इस BMW से चले क्या? आर यू मिस्टर कार्तिक? योर व्हीकल सर? 10 मिनट पार्किंग में वेट करिए। ओके सर। हमें थोड़ा काम है, हम करके आते हैं। चलो वहाँ कॉफी पीते पीते बात करते हैं। आई विल पे। ओह नो 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 वे, आई विल पे दैट। एक्सक्यूज मी। देखो आरव, तुम कितने भी कॉफी बिल्स पे कर दो मैं कन्विंस नहीं होने वाली। बर्थडे के दिन तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी इसलिए आई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में लव चाइना के माल जैसा है जिसकी वारंटी गारंटी दोनों नहीं होते। लेट्स मूव। आई कांट बिलीव दिस। तो क्या लोगी तुम? पहले मुझे ये क्लियर करो, ये कार्स कैसे आ गए? हाउ कुड यू अरेंज? अच्छा, वो वेरी सिंपल, वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स हैं। कस्टमर के डिमांड पे वो शराब की दुकान पे भी आ जाते हैं। ओह माय गॉड, टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स में ड्राइव करके आए हम? इंटरेस्टिंग आइडिया। थैंक यू। परिणीति, पारू, सिटीजन ऑफ कनाडा। कार्तिक, ओनली सन ऑफ मूर्ति। ऑर्डर प्लीज सर, 2 Al Pacino। वो कैपेचिनो होता है सर। लड़की के साथ बैठा हूँ, जल्दी में बोल दिया, बेइज्जती क्यों कर रहा है? जाना। उस दिन तुम सच में जॉब छोड़कर आ गए थे? आप एक बार हाँ कर दीजिए, इंडिया ही छोड़ दूंगा। कॉफी पे आने वाली सभी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती है मिस्टर कार्तिक। बिल देने वाले सारे बॉयज बकरे नहीं होते हैं मिस पारू। एक्सक्यूज मी। बड़ी, क्या है ये सब यार? मैं कॉलेज का टॉपर। बैठना यार फिरोज, मैं फर्स्ट आऊं या सेकंड आऊं मुझे कुछ नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो अदिति तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी। वहां देखो। कांग्रेट्स। हे अदिति को तुम्हारा टॉप करना पसंद है और मुझे प्यार को टॉप पर रखना पसंद है। वो सब छोड़ो, ये देखो।
हाय। कम इन। या। इतना लेट कैसे हो गए तुम? रास्ते में तुम्हारे लिए कुछ ले रहा होगा। बैठो, पिज्जा खाओगे क्या? वो पिज्जा खाने के लिए आया है या मजा करने आया है? What do you mean? अरे वो खाकर आया होगा ना, मजा देने कह रही हूँ। तुम जाकर रूम में बैठो, मैं जल्दी से हाथ धोकर वहाँ पर आती हूँ। ओके। हे करण, तुम्हारा कुछ छूट गया। ए, हाथ हटाओ, इतने भी क्या जल्दी है? अरे यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज यार समझो। नहीं यार, उनके बॉयफ्रेंड्स नहीं है। अरे यार, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या चीज़ फरकते हैं? अंदर पता नहीं क्या कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता, मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। जस्ट लिफ्ट योर रूम। हाय। हाय, क्या कर रहे हो? फोन पे कुछ वीडियोस देख रहा था और कुछ नहीं, तुम बताओ। तुम्हें अभी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है क्या? तुम्हें खिलाने का मन है क्या? नहीं, तुमसे खरीदवाने का मन है मेरा। तुम्हारी पसंद का वेनिला और मेरी पसंद का चॉकलेट लेकर आ जाओ। क्या अभी? ऊपर चांदनी, हाथ में वेनिला, पास में लड़की, अच्छा लगेगा ना? तुम्हारा इतना रोमांस का मूड है तो 10 मिनट के अंदर तुम्हारे पास रहूंगा, वो भी तुम्हारे फ्लैट पे। फ्लैट पर मत आओ, डायरेक्टली टेरेस पर आओ। डन। हेलो, कहाँ हो डियर? यहाँ ऊपर। ए, अकेले वाटर टैंक पे क्या कर रही हो? सुसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे नहीं पटी तो मुझे करनी चाहिए, तुम्हें नहीं। प्लीज कम। वहाँ तुम्हारे पास? या मर गया, आ रहा हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। हे, ये क्या, तुम रोज यहीं सोती हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो घर के अंदर भी लड़कियों से क्या और नहीं है। कोई स्पेशल डे है क्या? स्पेशल डे बनाना चाहती हूँ। कम। दिस इज फॉर यू, तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट। नंबर पता लगाते ही इतना फास्ट मूव कर रही हूँ, यही सोच रहे हो ना? नो, नथिंग लाइक दैट। पर इस सिचुएशन से लग रहा है मैं तुम्हें फर्स्ट मीटिंग में ही पसंद आ गया हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग पसंद नहीं आए, बट उसके बाद तुम्हारा कॉन्वर्सेशन और तुम बहुत याद आए, इसीलिए जानना चाहा। That's why I said hard contact, connectivity. Connectivity है ये, electricity मैं नहीं जानती। भूलने पर याद आती है तो प्यार आता है। बचपन से इंडिपेंडेंटली पली बड़ी हूँ मैं, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर देती हूँ। मैं फ्यूचर के लिए प्लान्स नहीं करती हूँ, प्रेजेंट को लेकर टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं दुनिया को नहीं जानती और जानना भी नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन तुम्हें कैसा लगेगा पता नहीं, बट आई रियली लव यू। तुमसे मिलना चाहती थी तो बुला लिया। अब तक मैं ऊंचाई पे हूँ ये सोच रहा था, पर ये बात सुनने के बाद और भी ऊंचाई पर जा चुका हूँ। मेरी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सितारों से अक्षर चुराना पड़ेगा और चांद की रोशनी से पेन बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है।
I'll be back in 5 minutes. Somebody has come for me. Yeah. आप मैं कार्तिक की माँ ओह हेलो कार्तिक ने सडनली फोन करके बताया मुझे कार्तिक ने कहा था कि वो दिवाली पे घर आएगा लेकिन बैंक के काम के लिए मुझे यहाँ आना पड़ गया इसी बहाने बहू को भी देखने का मौका मिला अहमद दो कॉफी ठीक है मैडम जब कार्तिक तुम्हारी तारीफ कर रहा था तो मुझे लगा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है लेकिन तुम्हें देखने के बाद उसकी की हुई तारीफ बहुत कम लग रहा है यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी थैंक्स मैम मैम नहीं आंटी मैं विजयवाड़ा के आंध्रा बैंक में मैनेजर का काम करती हूँ कार्तिक के डैडी बहुत सारे बिजनेस करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं मम्मी कनाडा में गायनिक डॉक्टर हैं एंड आई हैव अ सिंगल पेरेंट डैडी कभी कभी वो टच में रहते हैं पर कहाँ रहते हैं मैंने कभी पूछा ही नहीं मैडम कॉफी थैंक यू हमारे यहाँ जात पात फैमिली बैकग्राउंड डाउरी डिमांड्स बहुत मायने रखते हैं बेटी लेकिन तुमसे मिलने के बाद ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती कार्तिक बचपन से ही ऐसा है बेटी उसे जो पसंद है वो खुद ही सिलेक्ट करता है कॉलेज भी उसी ने सिलेक्ट किया और अब लड़की भी उसी ने सिलेक्ट किया तुम एक बात जानती हो क्या परिणीति कार्तिक के लिए उसकी टीचर की बेटी का रिश्ता आया था हमें जब उसे फोटो भेजा तो अरेंज मैरिज नहीं करूंगा ये कहकर उसने लिफाफा खोलकर फोटो तक देखना जरूरी नहीं समझा और देखो उसने तुम्हें पसंद कर लिया एक और बात कहना चाहती हूँ कार्तिक की शादी हुई तो हमारे फैमिली में एक और मेंबर बढ़ जाएगी सोचा था पर तुम हमारे घर आओगी तो हमारी शान बढ़ेगी जल्दी से अच्छा सा दिन देकर मैं तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ बाय हे प्यार आ रहा था तो वाटर टैंक पे बुलाना चाहिए था ना ऐसे वाटर के सामने क्यों बुलाया अभी मम्मी को स्टेशन ड्रॉप करके आ रहा हूँ शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी तुम्हारी मॉम आने वाली है पहले से मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुम्हें सरप्राइज देना था ना आई हेट सरप्राइजेस समटाइम्स क्या हुआ पारू अरे वो सडनली आकर बहू शादी अच्छे दिन कह रही थी तो कितना एम्बैरेसिंग लग रहा था जानते हो इसमें एम्बैरेसिंग लगने वाली कौन सी बात है तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए था वी आर इन लव राइट इस बात को मैंने घर में बता दिया और इसीलिए मम्मी ने तुमसे शादी की बात की होगी हु सेड दैट वी गोना गेट मैरिड आर यू किडिंग यू नॉट अ किड राइट तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या जान से भी ज्यादा पसंद करती हूँ आई लव यू सो मच एंड आई एम डैम हैप्पी विद माय लव लाइफ तो फिर शादी में प्रॉब्लम क्या है शादी ही एक प्रॉब्लम है आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन लिविंग टुगेदर नॉट इन बॉन्डिंग टुगेदर शादी के बाद आने वाले साइड इफेक्ट्स मुझे पसंद नहीं है पति पत्नी सास ससुर जैसे टैक्स मुझे पसंद नहीं है दो लवर्स को लाइफ लॉन्ग मिलकर रहना है तो मैरिज कंपलसरी है मैरिज नहीं अच्छा फ्लैट कंपलसरी है फ्रेंड्स रिलेटिव दुनिया वाले आखिर क्या सोचेंगे फॉरगेट अबाउट दुनिया वाले थिंक अबाउट हम लोग लुक कार्तिक मेरे पेरेंट्स की शादी होकर भी नहीं टिक पाए इसलिए ऐसा डिसीजन ले रही हूँ ये सोच रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि तुमने दुनिया घर के अंदर ही देखा होगा मैंने लिटरली देखा है मैं जितना साइंस जानती हूँ उतने संस्कार नहीं जानती बुराई जितनी जानती हूँ उतनी अच्छाई नहीं जानती वेडिंग नाम की चीज तलाक के लिए वेलकम गुड जैसा होता है ट्रस्ट मी तुम और मैं हम और हमारी हैप्पीनेस को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना है तो इसी तरह से रहते हैं प्लीज ऐसे मत देखो मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो तुम कन्विंस होकर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके लगेज के साथ मेरे फ्लैट में आ जाना हम मिलकर एक नया फ्लैट ढूंढेंगे बाय पारू अरे भाई आज के दौर में लड़की पटाना ही मुश्किल है और पट गई तो कुछ करना मुश्किल और अगर किसी तरह कर लिया तो फिर शादी करने के लिए जान खा जाती है ऐसे में अगर वो कह रही है कि शादी नहीं करनी है तो बेटा तेरे हाथ में लॉटरी लग गई है हे मैं उसके साथ टाइम पास के लिए नहीं घूम रहा हूँ यार लाइफ टाइम के लिए साथ रहना चाहता हूँ यार वो तो चाहती है ना कि तू उसके साथ हमेशा रहे जनरली लड़के लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हैं पर यहाँ तो उल्टा ही है तो अपना मुंह बंद कर पारू की बातों में भी लॉजिक है यार
अबे पागल कहीं के, यही तो लड़कियों का मैजिक है बेटा। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो आंसुओं से मारती हैं और नहीं चाहिए तो घुमाती रहती हैं। सही कह रहा है भाई, फिर भी शादी के लिए जल्दी क्या है, ये नहीं तो किसी और को पटा लेना। क्या बोल रहा है, दूसरी पटा लूं? इतने दिनों के बाद तो मुझे लड़की मिली है, अब नहीं लगता है कि मुझे कोई दूसरी लड़की मिलेगी। इसे फॉर्मेट करना बड़ा मुश्किल है यार। इस लास्ट पैक के लिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी लिविंग रिलेशनशिप का ट्रेंड है समझकर एक दूसरे से कमिट हो गए, लेकिन अगर कल को बच्चा पैदा हो गया तो उसे सोसाइटी में कैसे परिचय कराओगे बेटा? शादी के बाद पैदा होने वाले को पुत्र कहते हैं, शादी के पहले पैदा होने वाले को कुंती पुत्र कहते हैं। कार्तिक यार, हमारी बात मान ले और ये सब चक्करों में मत पड़। बाप रे, इसकी शादी का छोड़, अगर पुलिस ने हमें देख लिया ना तो हमारा सामूहिक विवाह करा देगी। ठीक से चला। ये तुम क्या बोल रहे हो कार्तिक? हाँ मम्मी। यकीन नहीं हो रहा है बेटा? मैं भी किसी को बता नहीं पा रहा हूँ मम्मी, लेकिन उसे देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। मुझे तो वो बहुत मॉडर्न ख्यालों की लगी, मुझे लगा कि पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है। ये तो बहुत अजीब है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। डैडी को मत बताना, नहीं तो वो कहीं दूसरी जगह जाके मेरी शादी की बातें करने लग जाएंगे। हाँ, उन्हें नहीं बताऊंगी, बट कार्तिक थोड़ा सा गैप देकर उसे दोबारा बात करके देखना। तो ठीक है मम्मी। कौन है बे? तेरा बाप। कार्तिक तुम, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं पारू, मुझे तुमसे बात करनी है। कॉल कर सकते थे। डायरेक्टली बात करने आया हूँ। माय कॉलीग इज वेटिंग। एक्सक्यूज मी, गिव मी 5 मिनट्स। पारू, मैंने तुम्हारी बातें सोची, काफी कुछ सोचा, शराब की सारे ब्रांड्स पी के सोचा, तब जाके इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ। हम लोग एक साल साथ में रहते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं। इट्स हैप्पी टू हियर तुमने सोचा, बट 1 ईयर का टाइम क्यों कार्तिक? क्योंकि मेरे पेरेंट्स के भरोसे के लिए। व्हाट? टाइम पर भरोसा है पर मुझ पर नहीं है। नथिंग लाइक दैट पारू, जनरली जॉब मिल जाने के बाद, 45 साल बीत जाने के बाद कुछ टारगेट्स होते हैं ना, इसीलिए। तुम्हारा टारगेट मुझसे शादी करना है? नंबर का पता लगाकर मेरी लाइफ में आए तो मेरे प्यार को जीत लिया सोचा था, पर तुम तो सिर्फ मुझे जीतना चाहते हो। hey, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है कार्तिक, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके भी मुझे कभी एम्बेरस फील नहीं हुआ था, बट इस तरह बीच सड़क पर रोक कर शादी के बारे में पूछ रहे हो तो तकलीफ हो रही है। जब मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसते हैं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब दोस्तों के साथ शेयर किया तुमने? फेसबुक, ट्विटर, उस पर भी पोस्ट करते थे। कार्तिक तुम इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकते? डिपेंडेंट रहने वालों के बारे में मैं नहीं सोचती। मुझे ओके करना हो तो तुम्हारी मम्मी को आना पड़ेगा, शादी करनी हो तो डैडी को आना पड़ेगा, मंडप ओके करने के लिए तुम्हारे दोस्त को आना होगा। शादी तुम्हारे लिए एक फंक्शन है और मेरे लिए एक टेंशन। हम दोनों का वर्कआउट नहीं हो पाएगा। बाय, विल बी गुड फ्रेंड्स फॉरएवर। वर्कआउट नहीं हो पाएगा ये बोल के तुम इतना सिंपली वर्कआउट कर रही हो? क्यों प्लीज? अगर तुम नहीं रुकी तो मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा। गो अहेड। तुम्हें देखकर जॉब छोड़ चुका हूँ, तुम्हें भूलने के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ मैं। देखो पारू, लड़कियाँ एक बस की तरह होती हैं, एक जाएगी तो दूसरी मिलेगी। लड़के भी ऑटो जैसे होते हैं, एक बुलाते हैं तो 10 आ जाते हैं। हेलो मम्मी, डैडी को बताया आपने? बताने के लिए मना किया था ना बेटा। अगर मैं मना करूंगा तो तुम अपने पति से बातें छुपाओगी, फोन दो ने। कार्तिक। हाँ बोलो। हाँ डैडी, कल आप फ्री हैं या नहीं? हाँ फ्री हूँ। तो फिर आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, कल सुबह का नाश्ता करने के बाद शादी के लिए लड़की देखने चलते हैं। ओके। कार्तिक, अब हम रिश्ता देखने के लिए इसके यहाँ जाने वाले हैं, अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारा पावर स्टार जैसे पावर में आ गया हो, इतना खुश हो जाओगे तुम। किसके घर मम्मी? किसी का भी घर हो क्या फर्क पड़ता है, तेरे पापा को 1 करोड़ दहेज मिल रहा है वही मायने रखता है। आइए आइए। ये क्या मम्मी, ये तो हमारी गीता मैडम का घर है।
स्वाति का रिश्ता तय हो रहा है, तुम्हें यकीन हो गया ना? देख यार, रिश्ता तय हो जाने से शादी नहीं हो जाती है। शादी हो जाने के बाद भी? शादी हो जाने से दूर थोड़ी हो जाएंगे, ये मत बोलना। कहूंगा यार, क्योंकि प्यार दो तरह का होता है, एक बताने वाला होता है, दूसरा समझने वाला होता है। पहला मैंने बता दिया है, अब दूसरा वाला उसे करना होगा। अर्च, हाँ? इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। क्यों, पसंद आएगा कि नहीं? अरे नहीं, देखने के बाद फोन नंबर मांगेगा या देगा इसके लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर फोन नंबर मांगा तो मैं पसंद आई, दिया तो मतलब दहेज पसंद आया। वाओ, तो फिर ये। एक्सेलेंट, मांगेगा। नहीं लोगे तो हम क्या खामोश रहेंगे, हम खुद देंगे। मूर्ति जी, माय एल्डर डॉटर श्वेता, माय सन इन लॉ राम एंड देयर फ्यूचर। हेलो कार्तिक। हाय। आईबीएम में मैनेजर की पोस्ट पर है, श्वेता भी उसी डिपार्टमेंट में है। नाइस। आपने कौन सी कंपनी बताई? चाहे कोई भी कंपनी हो, छोड़ देगा ये। आप तो अच्छी पोजीशन पे है ना, थोड़ा इसे भी पुश कर दीजिए। दोनों भाई मिलके एक ही कंपनी में काम कीजिए। हां, श्योर अंकल। मम्मी, कहते हैं जब एक लड़की पसंद आ जाती है तो दूसरी नहीं आती, लेकिन मुझे तो ये भी आ गई। मैंने तुझे जन्म दिया है बेटा, लेकिन मैं खुद तुझे समझ नहीं पाई। दामाद जी कुछ कह रहे हैं? वो कुछ नहीं, लड़की इतनी खूबसूरत है, पहले जानता तो फोटो लेके फ्रेम बनवा लेता, ऐसा बोल रहा है। अंकल, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। हाय। हाय। आपकी शर्माहट और मेरी बेशरम की तरह बात करने से ही पता चल रहा है हम एक दूसरे को पसंद आ चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि हम थोड़ी बात कर लें। तो फिर? Can I have your contact number? ये क्या है, नंबर लेके घूमती हो क्या? 3 महीने पहले मम्मी ने आपकी फोटो दिखाई थी मैच के लिए, तभी आप पसंद आ गए थे। इतना इंटरेस्ट था तो फिर आपने देखने के लिए इतना लेट क्यों किया? कुछ नहीं, एक छोटे से कंफ्यूजन की वजह से। कोई अफेयर है क्या? नहीं नहीं, मैं फायर और अफेयर से बहुत दूर रहता हूँ, एक को पकड़ने से जल जाएंगे और दूसरे को पकड़ने से मर जाएंगे। मम्मी ने बताया था आप लड़कियों से दूर रहते हैं। व्हाट अबाउट यू, कॉलोनी में तो आपके बहुत सारे फैंस होंगे। कॉलेज में भी है, लेकिन शादी से पहले प्यार पर मैं विश्वास नहीं करती। मैं पेरेंट्स की मर्जी से अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ। क्यों, लव एंड लिव इन रिलेशनशिप तो आजकल का ट्रेंड है ना? माइट बी, पर मैं लिविंग टुगेदर पर नहीं, बॉन्डिंग टुगेदर पर भरोसा करती हूँ। उस बॉन्डिंग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक वेट होता है, उसे उठाने में खुशी होती है। आई बिलीव इन सिस्टम्स एंड कस्टम्स। मेरे लिए शादी यानी सब कुछ, गोइंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर, शेयरिंग टुगेदर। पत्नी, पति, सास, ससुर, ननद, वो सब एक अलग ही दुनिया है। मेरे जैसी लड़कियों के लिए वही दुनिया है। कहाँ गई है? कहाँ चली गई? कहीं हमेशा के लिए तो नहीं चली गई? ओह माय गॉड, अरे बाप रे। गुड मॉर्निंग कार्तिक। कॉफी? कुछ मिलाया है क्या इसमें? सिली, टेक इट ना। देयर, योर फेवरेट ब्रेकफास्ट। वाओ, ये कल रात के झगड़े का इफेक्ट है क्या? सिट डाउन यार। देखो कार्तिक, हमारी शादी को 365 डेज भी नहीं हुए, उसमें हम 300 डेज तो झगड़ते ही रहे। ऐसे में हमें बेस्ट कपल कहना तो वर्स्ट जोक है। इस पर यकीन करके कल जो भी हुआ उसे भूलकर नॉर्मल रहना, इससे भी बड़ा जोक है। एंड इट्स नॉट फनी एनीमोर।
शादी के बाद हस्बैंड के साथ रहने पर भी पुराने प्रेमी को याद करना शादी का अपमान है, पर मैंने सारी रात यही किया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। वी आर मैच्योर, इसीलिए मैच्योरिटी से डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह लड़कर एक साथ रहने से अच्छा है कि अलग होकर फ्रेंड्स की तरह रहें। लेट्स गेट सेपरेटेड। क्या कहा तुमने? लेट्स गेट सेपरेटेड। एक बार फिर से बोलो। अलग हो जाते हैं, ये कहा। ये क्या है? गब्बर स्टेप। एग्जैक्टली, मैं भी यही फील कर रहा था, तुमने पहले बोल दिया। वाओ, यू आर जस्ट अमेजिंग यार। शादी के एक साल बाद फर्स्ट टाइम तुम अपने हस्बैंड को समझ पाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, वी विल प्लान फॉर इट। डन। Feroz, this is Swati. Swati, tum? I just want to know where is Arav. She is in Canada right now. Can you send me her details? Oh, sure. I will mail you. Okay, thank you. Yes! Hey, You're looking beautiful. You're looking amazing. Thank you. कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हाईटेक सिटी। ओह, कैन यू ड्रॉप मी एट द बीच हाउस प्लीज? श्योर, वो तो रास्ते में ही पड़ेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। यू टू। बाय बाय। बाय। बोलो कार्तिक। सॉरी बोलूं या ना बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। किसलिए बुलाया है वो बोलो। तुमने सही कहा था पारू, बॉन्डिंग बोझ की तरह होती है और इसीलिए मैं उसे ढो नहीं पाया। ये समझने के लिए तुमने मुझे अपने से एक साल दूर रखा। तुम मुझसे जरूर दूर हुई होगी, लेकिन मेरा प्यार तुमसे दूर नहीं था। तुम यहां होगी मैंने सोचा नहीं था, पर मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर बुलाओगे। मतलब तुम सोच रहे थे मेरी शादी नहीं टिकेगी? मैंने सोचा था कि मेरा प्यार सच्चा है। सही कहा आरा, उस दिन जो तुमने कहा था सही था। शादी यानी किसी प्ले स्कूल में दाखिला लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के पास रहने पर उसकी अहमियत पता नहीं चलती, ये सच है। तुम्हारे दूर होने पर प्यार की अहमियत मुझे पता चल गई। प्यार? प्यार को तो तुम चाइना का माल कहती थी ना। प्यार चाइना का माल नहीं है, बल्कि चाइना वॉल है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है तभी तो शादी के बाद हम मिल रहे हैं ना। कार्तिक कन्विंस हो गया क्या? हमारे ब्रेकअप के मामले में कार्तिक भी बहुत एक्साइटेड है। इनफैक्ट उसी ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है। कॉलेज में तुमने अपना प्यार दिखाया और अब मैं अपना प्यार दिखाऊंगी।
मैं एक कमिंग सर। क्या बात है, सुबह सुबह तुम्हारी नजरें किसको ढूंढ रही है? ये जो अभी नई नई वर्षा हुई है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तुम्हारा तो छोड़ो, तुम्हारी आंखों का भी कैरेक्टर खराब है। अब क्या कर सकते हैं, वो क्या है ना, किसी का कट पसंद आता है, किसी का फिगर। कैसी बातें करते हो, हमेशा उसी दुनिया में रहते हो क्या? क्या करें यार, कोई आगे से अच्छी लगती है, कोई पीछे से अच्छी लगती है, किसी का रंग अच्छा लगता है, किसी का रूप अच्छा लगता है। लड़कियों को भगवान ने फुर्सत से बनाया है। इस वीकेंड प्लान करें क्या? इस बार तो अपनी वाइफ श्वेता के साथ प्लान बनाओ, वरना उसे डाउट हो जाएगा। अरे यार, उसके साथ फैमिली प्लान करने के बाद अब क्या प्लान करूं? ओह, बहुत लंबी उम्र है श्वेता की। ओके कैरी ऑन, मैं जरा बात कर लूं। ओके बोलो श्वेता। व्हाट? मैं भी शॉक हो गई थी, बट इट्स ट्रू। वो दोनों पागल तो नहीं हो गए ना? आहिस्ता बात करो, आज वो लोग ऑफिस आए हैं क्या? अभी तक तो नहीं। ऑफिस में किसी को पता नहीं है, चलना भी नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल, ये मेरा ऑफिस है, मैं हैंडल कर लूंगा यार। कल उन्हें घर बुला के बात करते हैं। ओके बाय। अरे आउटडेटेड फेलो, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं बेकार न्यूज है, मैं ये पहले से ही जानता था। ए, तुम क्या कह रहे हो? हाँ अंकल, हम सच कह रहे हैं। शादी से पहले कहीं मेरे बेटे की शक्ल तो नहीं देख ली थी ना? मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, प्लीज डांटना मत, कुछ कहना मत। चाहिए? नो जीजाजी, हमारी शादी के बाद हम दोनों ने एक ही फैसला सहमति से लिया है, अलग होना। ऐसे कैसे फैसला कर चुके हो? हर घर में झगड़े होते हैं, इसमें नई बात क्या है? लेकिन हमारे घर में रोज होते हैं। देखो स्वाति, मैंने तुम्हें कभी अपनी साली नहीं माना, बल्कि बहन माना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस कर सकती हो ना? कुछ बातें ही डिस्कशन के लिए होती हैं जीजाजी, और कुछ डिसीजन के लिए होती हैं। शादी सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, लेकिन डिवोर्स दो परिवार के बीच होती है। माँ पहले से ही हार्ट पेशेंट है, ये बात सुन के तो वो मर ही जाएंगी। डराओ मत दीदी, पहले लीगल ओपिनियन तो लेने दो। सही कहा, बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो ये सोचते हैं, तब तक ये मैटर लीक नहीं होना चाहिए। आप हमारी मदद करेंगे ना? प्लीज। ओके ओके। तो डाइवोर्स चाहिए आपको? यस सर। तुम्हारी एज क्या होगी? अर्ली ट्वेंटीज। शादी हुए कितने साल हो गए? अभी तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ। ओ आम के पत्ते सूखने से पहले ही तलाक हो रहा है, ये तो गलत है। तुम्हें तो ढंग से कॉफी बनानी भी नहीं आती होगी, और तुम्हें घर का सामान लाना भी नहीं पता होगा। इतनी जल्दी अलग क्यों होना चाहते हो? शादी का मतलब केले के पत्ते, पान के पत्ते, हरे पत्ते, घर के सामने वाले पेड़ के पत्ते नहीं है। शादी का मतलब क्या है जानते हो? एक पत्नी और पति के बीच का रिश्ता, जैसे जल और मछली, ना कि मछली और मछुआरा। समझ में आ गया राजा, तुम दोनों क्यों अलग होना चाह रहे हो? तुम्हें पता है तो ठीक है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है सांबा शिवराव फ्रॉम तड़कू। जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो कोर्ट में सब कांपते हैं। यस। हम कब अप्लाई करें सर? एक साल तो लगेगा राजा। इस गैप में फालतू के सवाल तो नहीं पूछेंगे? देखो बेटी, हमारे जमाने में 30 साल में नौकरियां मिल जाती थी और मैच्योरिटी उसके बाद आती थी, पर आजकल 20 साल में मैच्योरिटी आ जाती है और 25 की उम्र तक लाखों के पैकेज की नौकरियां मिल जाती हैं। जनरेशन बदल चुकी है राजा। 7 फेरे वाली जो शादियां हुआ करती थी ना, अब फेरों से पहले ही मन बदल जाता है। समझ में आया तो शादी निभाते हैं, नहीं तो तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे जोड़े को तलाक से अलग कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे मैच्योर लोग सोचने वाले रहेंगे तो हम जैसे लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं सर। ये लीजिए आपका एडवांस। खर्चा ज्यादा ना आए तो दोनों ने कंबाइंड लॉयर रखा है। गुड, अब तुम जाकर सेपरेट होने की जबरदस्त पार्टी कर सकते हो। सेपरेट करने का प्लान मैं बनाता हूँ। चीयर्स। आप जो करते हो समझ ही नहीं आता। सारी जायदाद बेचकर बच्चों के नाम पर शादी का मंडप क्यों खरीद लिया आपने? हमारे बच्चों की शादी के बाद हमारे परिवार में बहुत बढ़ोतरी हुई। जो खुशी थी उसे मैं चाहता था कि उस खुशी में और भी इजाफा हो जाए। शादी का मंडप चलाने का मतलब था घर में रोज शादी का माहौल होना। वो माहौल, वो खुशी, उसकी फीलिंग्स ही अलग है। ऊपर से व्यापार का व्यापार भी होगा और सर्विस की सर्विस भी। तभी तो मैंने अपनी सारी जायदाद इस पार्टनरशिप में लगा दी। आपके बच्चे जीवन साथी के रूप में सक्सेस हो चुके हैं और आप व्यापार के साथी के रूप में सक्सेस हो चुके हैं।
आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। अरे कैसी फॉर्मेलिटीज है। आपके बच्चों की लाइफ की तरह आपका बिजनेस भी फूले और फले और बहुत आगे बढ़े इसी चाह में। वंस अगेन चीयर्स गाइस, टोस्ट टू द पार्टी। स्वाति, मीट माय एक्स पारू। पारू, माय एक्स स्वाति। हाय। सॉरी, इट्स ओके, ऑलरेडी यहाँ अलग हो चुके हैं। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक्स। आरव, कार्तिक, कार्तिक आरव, माय ऑनेस्ट लवर। हाय बॉस। हाय कार्तिक, यू लुकिंग हैंडसम। तुम ट्रेडिशन से ज्यादा ट्रेंडी रहने वालों को पसंद करते हो। हेलो सर। हेलो मैडम। हेलो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैप्पी बर्थडे सर। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बर्थडे पार्टी नहीं है, ब्रेकअप पार्टी है। वैसे चाहो तो इसे डिवोर्स पार्टी भी बोल सकते हैं। क्या? डिवोर्स की पार्टी? यस, हम दोनों अलग होना चाहते हैं। वैसे आप दोनों की जोड़ी तो अच्छी है सर। शादी के बाद जो आग लगी है वो भी अच्छी है। वैसे प्रॉब्लम क्या है सर? दोनों को पुराने लवर्स याद आ गए। और वो लोग रहते कहाँ है मैडम? वो मेरे पति की लवर, ये मेरा लवर। फिर आप क्यों अलग हुई मैडम? प्यार के बाद इन्होंने शादी से मना कर दिया। इसने तो प्यार को ही मना किया था। फिर अब? मुझे शादी नहीं चाहिए और मुझे प्यार चाहिए। किसने कहा कि इंडिया पीछे रह गया है? इंडिया की इस कल्चर को आप ही लोग तो आगे बढ़ा रहे हैं सर। एक दूसरे से अलग होने का फैसला करके आप सब मिलके आपस में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यही तो असली डेवलपमेंट है सर। सर, ऐसे अलग होने में थोड़ा तो दुख होता होगा। हा? सही कह रहे हो, लेकिन सर मजा भी बाद में आता है। सर, ऐसी सिचुएशन में फिर मॉकटेल पार्टी का क्या काम? तो फिर कॉकटेल पार्टी, एक बार बाहर तो निकलिए, मजा आ जाएगा। चलो अच्छा, रिजाइन कर दिया हमने। हाय गाइस। हाय राव। क्या सरप्राइज है, काफी दिनों बाद ऑफिस आए हो। रिजाइन करने के लिए। व्हाट, एक साथ आए तो सोचा एक हो गए होगे। क्या है ये सब? सेम प्लेस, सेम फेसेस, सेम प्रोजेक्ट्स। अलग होने के बाद मिलकर काम करने में थोड़ी मुश्किल होगी ना, इसीलिए। ऐसा है तो एक जन रिजाइन करके एक तो यहाँ रह सकता है ना। एक साथ रहने वाले अलग कैसे हो गए, ये हमेशा कलीग्स के क्रॉस क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे भी यहाँ रहना जरूरी तो है नहीं। अब हम क्या कह सकते हैं, इट्स ओके, ये मिठाई खाइए। हमारे जॉब छोड़ने पर तुम स्वीट्स बांट रहे हो? नहीं नहीं, मेरा प्यार सक्सेस हो गया है। इज इट? कांग्रेट्स। तुमने ही बोला था ब्रो कि कुछ लड़कियां हफ्ते में पढ़ती हैं तो कुछ लड़कियां महीनों में पढ़ती हैं। नेत्रा पट गई। She accepted my love. Wow, it's a great news, Raos. वो ग्रेटनेस तुम्हारी ही है कार्तिक। नेत्रा ने बताया क्या? ये ग्रेटनेस मेरी नहीं है राउस, प्यार की है। अब देखो, मेरा प्यार जीत गया, इनका प्यार जीत गया, तुम्हारा प्यार जीत गया। प्यार की जीत हमेशा होती है, इसे हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। श्योर? या। यस। थैंक यू। सी यू। बाय। बाय। बाय बाय। मे आई कम इन सर? क्या ये? स्वीट न्यूज। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर उसे शादी कर लोगी तो लाइफ में फन बचेगा क्या? उसे मिस करूंगी तो लाइफ में लाइफ ही नहीं बचेगा। परसों ट्रिप पर गई तब पता चला। अब बस कर यार। आज मैंने शुरू खत्म करने के लिए नहीं किया यार, कंटिन्यू करने के लिए किया है। मेबी तुम लोगों के साथ ये मेरी आखिरी मीटिंग होगी। बहुत जल्द यूएस जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ तुझे अचानक? यहाँ सैलरी अच्छी नहीं है क्या? मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा हूँ यार। हाँ कार्तिक, बचपन से अनाथालय में पला बढ़ा, टेंथ तक फुल पेंट क्या होता है पता नहीं था, ग्रेजुएशन तक भर पेट खाना क्या होता है पता नहीं था, अपनी पहली सैलरी किसे तो ये भी पता नहीं था। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी यार। निराश होकर के सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन उसी समय ऑफिस में नेत्रा आई। तुम यकीन नहीं करोगे, उसकी हंसी से जीने की उम्मीद पैदा हुई। ऑफिस में उसका व्यवहार देखकर उसके साथ जिंदगी बिताने की सोचा। ऑफिस में हर रोज उसके टेबल पे गुलाब का फूल रखता था, लेकिन 3 साल के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि मैं उसके लायक नहीं हूं। जिस तरह से मेरे मन में वो है, उस तरह से उसके मन में कोई और होगा, कोई और होगा। Hey, राहुल, राहुल। इसे छोड़ना मत नेत्रा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारा भविष्य है नेत्रा। इसके हार्ड वर्क को ऑफिस में कोई नहीं पहचानता है, एटलीस्ट इसके प्यार को तो पहचानो नेत्रा। कलीग्स तुम्हारे बारे में हमेशा तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे बारे में हमेशा एक तरह की बात करता है कि नेत्रा मेरी देवी है।
इसकी बात को सच में बदल दो ना प्लीज। मेरी लवर पे ही नजर डालना था उसे, एक जोड़ी चली गई एक जोड़ी बन गई, और फिर उसके बोलते ही तुमने हाँ कैसे कह दिया? इसकी भी वजह थी, उसके प्यार को पहचान लिया तो कैसे ना कहती। इतने दिनों से मेरे टेबल पर फ्लावर रखने वाला तुम नहीं, वो था इसीलिए। तो अब मेरा क्या होगा? आदमी हो या औरत, उनके कुछ फिजिकल नीड्स होते हैं। बाहर से अच्छा ऑफिस में अफेयर रहेगा तो पत्नी को पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचा तुमने। कलीग से अच्छा बॉस के साथ अफेयर हो तो करियर में ग्रोथ होगा, ऐसा मैंने सोचा। ये बात उसे बता चुकी हो क्या? मेरे भविष्य को ब्राइट रखने के लिए मुझे पास्ट को डार्क रखना होगा। तुम्हें तो वो सीता समझता है। शादी के बाद उसके भरोसे को मैं डबल कर दूंगी। फिर शादी के पहले जो कुछ किया वो? शादी के पहले जो होता है उसे डेटिंग कहते हैं, शादी के बाद जो होता है उसे चीटिंग कहते हैं। मैंने जो किया वो सिर्फ डेटिंग था। कल से मैं जॉब छोड़ रही हूँ राम, शादी के काम के लिए नहीं बल्कि शादी के बाद अपने हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए। गुड लक। थैंक्स। ए नलायक के बच्चे, इस तरह कोई हाथ चाटता है क्या? चल हाथ धो क्या। अच्छा, तब से वो दोनों एक दूसरे का मुंह चाट रहे, वो गलत नहीं, मैं करता हूँ तो गलत हो जाता है। अरे बाप रे, बकवास लॉजिक की बात की, तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा समझा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इस भजिए की कसम। मम्मी, इस कवर पेज वाली आंटी को देख कर ना, तेरी मम्मी इसके अंगूठे के बराबर भी नहीं है, ऐसे कह रहे थे। बाप रे, नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी जान सूज चुकी है और चूटी मत काटना। तेरी माँ बेबे बोल रही है, मुँह का क्या हुआ? मम्मी ने कहा कि लिपस्टिक ढूंढ के दो, तो मैंने वही लिपस्टिक दे दिया। दीदी, विजयवाड़ा एंटर हो चुके हैं, अब तो बताइए ये सडन विजिट क्यों? सडन नहीं, सरप्राइज विजिट है। कहीं हमारी पंचायत कराने तो नहीं ले जा रहे हैं? थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा यार। वो देखो आगे बोलो। हाय कार्तिक, कैसे हो बच्चों? हाय नाना जी। मॉम, व्हाट्स हैपनिंग? लुक देयर। ये तो मैरिज हॉल है ना? हाँ, खरीद लिया है साथ में मिलके। हाँ बेटा, स्वाति कार्तिक एसके मैरिज हॉल। ये सब सडनली क्यों पापा? तुम्हारे कदम पड़ते ही इनका शुभ हुआ, शादी होते ही हमारा शुभ हो गया, इसलिए सोचा कि तुम लोगों के नाम से कुछ करूं, अच्छा मौका था ये। हर शादी के पत्रिका पर दूल्हे का नाम और दुल्हन का नाम जरूर होता है, लेकिन अब से यहाँ होने वाली हर शादी की पत्रिका पर इस मंडप का नाम होगा, मतलब तुम दोनों का नाम। यस यस। तुम्हारे फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर हम जो गिफ्ट देंगे वो यही मंडप है। आज का दिन बहुत शुभ है और तुम्हारे हाथ से ओपन करवाने के लिए ये सरप्राइज प्लान किया हुआ है। अगले सोमवार को तुम्हारी एनिवर्सरी भी है, इसी मंडप में धूमधाम से मनाकर दूसरी शादियों के लिए ओपन करेंगे। चलो चलो, लेट्स गो। ये कौन है जानती हो दीदी? आरव रेड्डी, मेरा क्लासमेट है। मेरे अलग होने का डिसीजन लेते ही फेसबुक में देखकर यूएस में फोन किया और 24 घंटे के अंदर ये मेरे सामने आ गया। हेलो। वो परिणीति है, कार्तिक की लवर। एड्रेस पता लगा कर कॉल करते ही कनाडा में करियर छोड़कर चली आई। हाय। आप लोग इतना हैरान मत होइए, जनरेशन बदल चुकी है, अब दबके रहने से ज्यादा ओपन रहना पसंद करते हैं। इतना ओपनली कि लीगली भले ही हम एक दूसरे के नहीं हुए लेकिन हम एक साथ एक फ्लैट में रहना चाहते हैं, नए फ्लैट का एडवांस भी दे चुके हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली है। इस बारे में हम कितना सीरियस है यही बताने के लिए हम इन्हें यहाँ लेके आए हैं। ये दोनों अलग हो रहे हैं, तुम लोग जानते हो? क्या आप जानते हैं कि हम क्यों मिल रहे हैं? इनके घर के बड़े लोगों ने शादी तो अरेंज कर दी लेकिन प्यार नहीं अरेंज कर पाए। सो प्यार के बिना शादी टिकती भी तो नहीं है ना? वाओ, अलग होने वाले तुम और एक साथ रहने वाले तुम, लाइफ में इतने क्लियर कैसे हो तुम लोग? इतने ही क्लैरिटी के साथ मुझे एक जवाब दो। शादी से पहले मुझे लव मैरिज पसंद नहीं है, प्यार पर दरअसल ओपिनियन ही नहीं है, क्यों कहती थी? हाँ दीदी, एक किताब में क्या लिखा है पढ़ने के बाद ही पता चलता है, प्यार भी क्या चीज है करने के बाद पता चलता है। शादी के बाद कार्तिक ने अपने पुराने प्यार को रियलाइज किया
और मैंने भी अपने पुराने प्यार को रियलाइज किया। जीजा जी, माँ हार्ट पेशेंट है मैं भी जानती हूँ, लेकिन उसके घर में उसके साथ रहकर इसके सपने देखना बहुत मुश्किल है ना। हम अलग होने वाले हैं, फिर भी हमारे हाथों मैरिज हॉल की ओपनिंग करवाना बहुत तकलीफ दे रहा है। आप लोगों को किस तरह लोगों को कन्विंस करना है ये आप जानिए। एक हफ्ते के बाद जो हमारी एनिवर्सरी प्लानिंग हो रही है वो आपको रोकना होगा और हमें मिलवाना होगा। मिला दो जल्दी से मिला दो सुब्बू। शाम हुई नहीं, इन दादियों का शुरू हो जाता है। Hey dude, on the rocks. Okay. आओ भाभी। हे क्या रे रमी, इतनी देर कर दी, कम ऑन हरी अप। मेरी समधिन है, कल ही विजाग से आई है। नमस्ते। आदत तो है ना। मौका नहीं मिला सालों से। Let's chill. Bring one more glass. No. I prefer beer. Wow, one chill beer. ओपनर है क्या? ताकत है। Wow, have fun. Thanks, dude. Come on. Cheers. चिको, तू कुछ भी बोल रहे, यहाँ वाला बहुत अच्छा लगता है। वीकेंड्स आप हैदराबाद में डोसे एंजॉय करते हो क्या? लाइफ एंड में वीकेंड नहीं रहेगा तो फिर लाइफ का मतलब क्या है बड़ी? अगर हमारे बच्चों को पता चल गया तो? कम ऑन सिस, बड़ों को पता चल जाएगा सोचकर बच्चे पीना छोड़ रहे हैं क्या? तो फिर बच्चों को पता चलेगा ये सोचकर हम क्यों डर रहे हैं? Well said, dude. Yeah. बच्चे हर महीने हमें दवाइयों के लिए पैसे दे रहे हैं ना, उनका इस दवाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Fantastic dude, yes. Yeah. Yeah. Subbu, yeah. Fries के लिए चिकन के लिए ऑर्डर दिया क्या? तो फिर सर्विस बॉय क्यों नहीं आया? मैं आ गया। छिछ। इस रेंज का ऑर्डर देखकर मुझे लगा बैचलर की पार्टी होगी, पर यहाँ तो सब बुढ़िया बैठी है यार। Hey bro, come on. Bro, पकड़ को लात मारने वाली क्यू में पहली नंबर हो, मैं तेरा ब्रो कैसे हुआ बुढ़िया? चेको नोटिस। कृष्णा रामा जपने की उम्र में क्या है ये कॉकटेल पार्टी? झड़ने वाली पत्तियाँ हो तुम सब। अंजू अंडरलाइन है? क्या है रे बुढ़ियो जो अंडरलाइन बोल रही हो, और ये जो है नोटिस बोल रही है? तुम लोगों का बिल्डअप मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शाम होते ही सीरियल देखकर खाके सोने की बजाय पेड़ों की तरह शराब पी रही हो, तुम बुढ़ियों को शोभा देता है क्या ये? देखो, राष्ट्र अलग होने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर पी के गिर जाओगी तो कौन ध्यान देगा? ये लो तुम्हारा पार्सल, अभी मेरे पैसे दे दो। किसने मेरे पास उठाया, किसने हाथ उठाया मेरे पे? बताओगे तो ही एक पैक देंगे। चा, 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 चा। तुम जैसी बुढ़ियों के साथ मैं बैठकर पैक लगाऊंगा। फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब टेंपर खत्म हो गया मेरा। दारू पियोगे कि नहीं? मैं दारू पीने के बाद इंसान नहीं रह जाता, समझी ना? नहीं पिया तो तुम मर्दी नहीं। मेरी मर्दानगी पर सवाल उठ रहा है? कहाँ है पैक? देखो मैंने पी लिया, पता चला मैं मर दूं, अब मेरे पैसे तो मैं जा रहा हूँ। जब देखो जाऊंगा बोलता है। शंकरी। शंकरी, ये कौन है? तेरी तो अमेरिका जाकर 5 साल हो गए, एक बार भी माँ को देखने का मन नहीं किया। अमेरिका? और मैं, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है बुढ़िया। डॉलर्स भेज देगा तो क्या मैं यहाँ आराम से जीऊंगी? अपनी माँ को भिखारी समझाएगी अशोक? अशोक, अब ये कौन है? मुझे वृद्धाश्रम भेजेगा क्या, ऐसा कहता है शिनू? कौन मैं? तेरी माँ तेरे लिए बोझ बन गई है। देखो देखो, तुम सब लोग किसी और को सोच कर मुझे मार रही हो। ये सीनू कहती है, ये शंकर कहती है, और तू अशोक कहती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे बेटे हैं, अमेरिका में सेटल हुए 4 साल हो गए हैं। अच्छा तो ये बात है। अरे बाप रे, अरे बाबू तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? अरे मेरी माँ को छोड़ो, मेरा बाप भी तुम्हारी तरह पीकर मरने के बाद उस बुढ़िया को गांव में ही छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? मतलब आने को बोला था, बोली नहीं नहीं शादी हुई ना बेटा, तुम्हारे बीच में मेरा क्या काम है, ये सोच कर ले लिया लाइफ में। क्या लाइफ में लिया है? अरे बुलाने पे भी नहीं आएगी तो क्या करूंगा? नहीं आएगी बोलेगी तो तू बुलाएगा नहीं क्या? इस सिटी में रह नहीं पाऊंगी बोलेगी, लेकिन तुझे रहने को बोलना पड़ेगा, तुझे तो उनके हाथ पैर जोड़ना चाहिए। बेटा माँ है तेरी, तो फिर सिटी में सारे खर्चे कौन देखेगा बोलो? ये नहीं सुधरेगा, इससे नाच गाना कराना पड़ेगा। ऐसा है क्या? म्यूजिक, नाउ प्ले म्यूजिक। अरे बाप रे, ये सारी बुढ़िया तो पीकर लुढ़क गई, अब मैं भागता हूँ। सॉरी बेटा, हमने ये सब फ्रस्ट्रेशन में किया है, तुम हमारे बेटे जैसे हो,
बुरा मत मानना। ये लो बिल के पैसे और तुम्हारा टिप भी। दादी माँ, पीने के बाद भी इतने प्यार से बात कर रही हो, इतना पियोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तो फिर और क्या करे बेटा, अखबार पढ़ते पढ़ते सुबह तो गुजर जाता है, खाना पकाते पकाते दोपहर भी गुजर जाता है, सीरियल देखते देखते शाम भी गुजर जाती है, लेकिन टीवी बंद होते ही असली दर्द शुरू होता है बेटा। जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, अपने बच्चों की बहुत याद आती है, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। मर्द बोलते हैं वो भूलने के लिए पीते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों को याद करने के लिए पीते हैं। उन्हें पंख मिल गए सोचकर खुश होते हैं, हिसाब लगाकर हम पर खर्च कर रहे हैं जानकर दुखी होते हैं, इसलिए कभी कभी इस तरह ऊपर नीचे गिर जाते हैं, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे। दादी माँ, आपकी मार खाली नहीं जाएगी, मेरी माँ हैदराबाद जरूर आएगी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अब बस करना यार, थैंक्स भी बियर दे के बोल रहा है, जब से आया तब से पी रहा है, बस करना यार। कहाँ जा रहे हो यार? हल्का होने जा रहा हूँ। स्वाति, यहाँ स्वीट्स बहुत अच्छे हैं। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यू इडियट, क्या हुआ बेब्स? डोंट यू हैव मैनर्स? से अगेन। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, सॉरी, यू कैरी ऑन, सॉरी। हे, उसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? जानबूझकर टच किया उसने। पब्लिक प्लेस पे ये कॉमन है यार, तुम परेशान मत हो, तुम बैठो मैं आता हूँ। हेलो, बिहेव योरसेल्फ। कूल, कम ऑन। क्या कम ऑन? व्हाट्स द प्रॉब्लम? स्वाति को टच किया तूने? थैंक यू कार्तिक, लव यू मैन, बाय बाय। वन सेकेंड कार्तिक, मुझे टच किया तो लाइट ले लिया, उसे टच किया तो रिस्क ले लिया तुमने। लगता है उस पर तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यस, बढ़ चुका है। बहुत बढ़ चुका है। जब उसने इतना ब्रॉडली सोचा तभी हम इस बॉन्डिंग से बाहर आ पाए। हमारे मिलन की वजह प्यार हो सकता है, लेकिन जब हम दोबारा मिले तो उसकी वजह सिर्फ स्वाति ही है। ऐसे में अगर उसे किसी ने हर्ट किया तो मैं उसे मार दूंगा। Hey वर्षा, what a surprise! क्या बात है, इस टाइम पे कॉल कर रही हो? I need a small favor, sir. ऑफिस लिख के दे दूँ क्या? बोलो तो लिख देता हूँ। 1 लाख का चेक लिख कर दीजिए ना सर, छोटा सा एडजस्टमेंट है। वीकेंड पे एक कप कॉफी के लिए चलोगी क्या? मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज्यादा रोमांटिक है सर। पैसे भेज के इन्फॉर्म करता हूँ। हाय। हाय। हाय डैडी। हाय स्वीटहार्ट। श्वेता, आज लंच नहीं किया, जल्दी से खाना लगाओ ना, बहुत भूख लगी है। ओके ओके, 2 मिनट्स। अच्छा, वो मंडप वाली बात कहाँ तक पहुंची? तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? क्या पता, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। लेट्स सी, एनिवर्सरी में तो भी टाइम है ना, तब तक माँ को पता ना चले, इस बात का ध्यान रखना। ओके। वैसे तुम्हारे अकाउंट में 1.5 तो होगा ना, 1 लाख का चेक चाहिए, एक दोस्त को जरूरत है। सॉरी राम, अक्षय तृतीया के दिन 1 लाख खर्च कर दिए मैंने, सिर्फ 50 ही पड़े हैं। 1 लाख खर्च कर दिए? वो उस दिन गोल्ड खरीदना अच्छा होता है माँ ने बताया था, तो वो तो शॉप वालों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। फिर मुझे बिना बताए ऐसा कैसे किया तुमने? मैंने कभी भी किसी चीज के लिए तुमसे पूछा नहीं है, इनफैक्ट वो मेरी सैलरी है। ओह, तुम्हारी सैलरी है, तो तुम्हारे मन में जैसा आएगा वैसा खर्च करोगी? मन में आने की बात नहीं है, जरूरत पड़ी तो खर्च की। Enough! तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चला कि तुम्हें अपनी कमाई का घमंड हो गया है। तुम लोग अंदर जाओ बेटा। ओके मम्मी, चलो चलते हैं। अब बताओ
घमंड हो गया है। तुम्हारे चिल्लाने में क्या घमंड नहीं दिख रहा है? तुम इंडिपेंडेंट हो इसलिए जबान लड़ा रही हो। अगर हाउसवाइफ होती तो याद रखो पति के पैरों में पड़ी रहती तुम। जुबान लड़ाना इसे नहीं कहते हैं। बैंगलोर के नाम पर अपने ऑफिस की लड़की के साथ वीकेंड रिजॉर्ट में बिता कराने पर सवाल करती तो उसे जुबान लड़ाना कहते हैं। सिंगापुर में सेमिनार के नाम पर थाईलैंड में मसाजेस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर सिंगापुर में स्वाइप करने के बाद थाईलैंड में कैसे आ गए ये पूछती उसे जुबान लड़ाना कहते हैं। क्यों, रिजॉर्ट का राज मुझे कैसे पता चला सोच रहे हो? बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाने वाले तुम पॉकेट के बिल को फाड़ना भूल गए थे। हाँ गया था, घूमा था, तो क्या हुआ? मर्द हूँ, मुझे ये सब करने का हक है। कभी अपने आप को देखो कैसी हो गई हो तुम। तुम्हें कहीं भी टच करूँ कोई फीलिंग नहीं आती है मुझे, तो क्या करूँ मैं? फीलिंग नहीं आती। दो बच्चों को जन्म देने के बाद हर माँ की बॉडी ऐसे ही बन जाती है। बच्चे मेरी जान को निचोड़ कर जान लेकर आने के बाद बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और तुम कहते हो तुम्हें फीलिंग्स नहीं आती। बिना काम काज के मूवीज में मैगजीन्स में जीरो साइज देखकर घर आओगे तो ये डबल साइज ही लगेगी। फिर भी चलाना पड़ेगा, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने भी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। एक, सिर्फ एक, एक डिफेक्ट बता के दिखाओ मेरी बॉडी में। हम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। मैं भी तुम जो सॉल्ट पेपर खाते हो वही खाती हूँ ना, लेकिन हफ्ते में मुझे चार दिन मिलने का मन करता है। टच करते ही थक गए कहकर सो जाते हो, क्या ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है? राम, राम, डोंट टच मी। इस बॉल को उठाकर तुम्हारे मुंह पर फेंकने में मुझे कितना वक्त लगेगा राम? उसके बाद उस फ्लावर वास से तुम्हें मेरा सर फोड़ने में कितना टाइम लगेगा? उसके बाद मैं मर गई तो अपने बच्चों को सड़क पर आने में कितना वक्त लगेगा? तुम्हीं ने कहा ना कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। वो बात पहले कहने वाले तुम थे। इस शरीर से खुशी नहीं मिल रही कहने वाले तुम थे। गलत किया तुमने, गलतियां कर रहे हो तुम ही। मैं 3 महीने फैमिली को साइड में रखकर फिगर पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी तो मेरे साथ चलते वक्त मेरी रक्षा ना कर पाके कॉम्प्लेक्स से मर जाओगे। तुम्हारी तरह वीकेंड पर बैंगलोर जा रही हूँ बताने की जरूरत नहीं है। बिजावाड़ा जा रही हूँ कहकर पास वाले वाड़े में भी जाऊंगी ना तो शक के मारे मर जाओगे तुम। इच्छाओं को कंट्रोल में रखोगे तो संसार भी कंट्रोल में रहेगा राम। एक बार उधर देखो, वो दो और हम दो। ये रूम कितना अच्छा है, ये घर कितना अच्छा है। इस घर में चाहे तुम ना रहो चाहे मैं ना रहूं तो ये ना तो देखने में अच्छा लगेगा ना ही सुनने में। उस तस्वीर को वैसे ही रखने के लिए, हमारे बच्चों का सच्चा प्यार हम पर हो इसके लिए अट्रैक्शन छोड़कर अफेक्शन में आ जाओ राम, अच्छा रहेगा, अपना फ्यूचर अच्छा होगा। तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं खुद से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं करता। मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ आगे से तुम एक नए राम को देखोगी। अबे नलायक, ये हाउस है या अन्नपूर्णा स्टूडियो? क्या है ये सब? सीता माँ के आंगन में स्टील का हंडा, द शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म है क्या? पिज्जा और पेस्ट्री के लिए आपसे और इनसे मांगते मांगते बोर हो गया हूँ मैं, तभी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर लिया हूँ। ये शॉर्ट फिल्म बनाकर यूट्यूब में डालूंगा, उसके बाद इनकम करूंगा। ऐसा रहा तो हिट तुझे नहीं तेरी माँ को मिलेगा। कैसी बातें करते हो? वैसे इतने सारे हंडे कहाँ से लाए तुम लोग? मम्मी के किटी पार्टी के फ्रेंड्स हैं। हफ्ते में 1,000 दूंगा सुनकर बिंदास आ गए। हर हंडे पे 1,000? बेटा तू अपना टैलेंट यूट्यूब पे ला रहा है या मुझे रोड पे ला रहा है? तू कैसे पैदा हुआ मेरे घर में? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो टैलेंटेड परिवार में पैदा होना था, आपके यहाँ कैसे पैदा हो गया है? अबे तू कौन सा अवतार है? जबरदस्त कॉमेडी शो की प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए
ये अवतार लिया है मैंने। अबे शीशे में तूने शक्ल देखी है काली है। वैसे भी कंप्यूटर में लगे वायरस की तरह और कितने साल इस घर में रहेगा? उस कार्तिक की तरह शादी करके बाहर जा सकता है तू? उसकी शादी ही टूट चुकी है, अब हम कैसे शादी करेंगे अंकल? अंकल को हम लोग की बैचलर लाइफ बोर लग रही है, इसलिए आज रात को ही फैमिली सेट करते हैं। ये फैमिली सेट करने का क्या है यार? लव राजा, टेक इट। थैंक यू। टेक इट। थैंक यू आल्सो। थैंक यू लव रानी। थैंक्स। मैं कुछ सॉलिड तो बना नहीं सकता, तो सोचा लिक्विड ही सर्व कर दूं। पी लो राजा, गन्ने की खीर है, हमारे खानदान की स्पेशल। गन्ने की खीर, ये तो बिल्कुल नया है। इन दोनों का विजुअल नया है और तुम दोनों का विजन नया है। जब कोई अलग होता है तो झगड़ते हुए अलग होता है, पर तुम तो प्यार से अलग हो रहे हो। शादी का जोड़ा, प्यार का जोड़ा, नाउ इट्स अ न्यू ट्रेंड। ये रहे तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। मंडे को तुम्हारा डिवोर्स डे है, बस एक दिन तुम दोनों एक साथ मिलकर कोर्ट में आ जाना, उसके बाद मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बंधन को ब्रेक करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर खूब बजाना तबला। हेलो। आरव, I'll see you later. कार्तिक, चलो। What happened? रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे कार्तिक, संभल कर चलना चाहिए ना बेटा, देखो खून कितना निकल रहा है। रुको, मैडम मैं कोई टॉपर तो नहीं हूँ, फिर आप मुझे इतना पसंद क्यों करती हैं? पता नहीं बेटा, सही से बता नहीं सकती, लेकिन मेरी दो बेटियां हैं ना, बेटा होता तो तुम्हारे जैसा होता, इसलिए। दीदी, हमारे बारे में माँ को पता कैसे चला? सॉरी मासी। ये दोनों कुछ बात कर रहे थे तो माँ को कुछ शक हुआ, मेरे कन्विंस करने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ी। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम मजबूर हैं, अब शायद साइंस भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। क्या है मैडम, ये छोटे बच्चों की बात पे कोई यकीन करता है क्या? हम कहां अलग हो रहे हैं मैडम? क्यों, हम झगड़ा नहीं कर सकते क्या? या झगड़ा होने पे गुस्से में ऐसा बोल नहीं सकते, बस इतनी सी बात पे अलग हो जाए? आपने जो सुना वो झूठ है मैडम। कार्तिक, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने यह हाथ थामा है छोड़ने के लिए नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं, और आप भी हमसे किया वादा पूरा कीजिए। मंडे को हमारी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाइए। आज तो माँ से झूठ कहकर उनकी जान बचा ली, फिर कल क्या होगा स्वाति? उस झूठ को सच में बदलेंगे। हाँ दीदी, एक मैडम की जान बचाने के लिए कार्तिक इतना कर सकता है, तो अपनी माँ की जान बचाने के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती। अब तक मुझे ऐसा लगता था खुशी सिर्फ खुद से होती है, लेकिन ये परिवार से जुड़ी होती है, अब समझ आ गया। मैं प्यार से दूर रहकर जी लूंगी, लेकिन माँ से दूर रहकर नहीं जी पाऊंगी। तुम माँ के लिए सोच रही हो सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर बुरा लग रहा है। फैसला तुम्हें ही करना है,
तूने जो भी फैसला लिया मैंने कभी कुछ नहीं कहा बेटा, क्योंकि तुझे प्यार पसंद नहीं, शादी पसंद नहीं, फिर अचानक तुझे सब कुछ पसंद आने लग। मुझे तेरे पापा के सारे फैसले कमर्शियल जरूर लगते हैं, लेकिन तेरे फैसले मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बेटा। अरे यार, ये क्या सरप्राइज दे दिया यार? ऐसे ही मूड खराब था तो आ गया। सही टाइम पर आए हो, कॉमेडी शो की रिहर्सल हो रही है, वो देखो रोजा बाबू और ये है ऑडियंस, और तू चीफ गेस्ट सिप लेता हुआ एंजॉय कर। लेकिन चखना कहाँ है यार? सर्विस बॉय को ऑर्डर दिया है, उसे आने तो दे। मैं आ गया। आजा 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 आजा, इस बार सारा सामान लेकर आया ना? क्या बात है सर, भारी सेटअप लगाए, कुछ चल रहा है? जबरदस्त कॉमेडी शो के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा भैया, मुझे भी अपने गैंग में ले लो ना, मैं भी बचपन में स्क्रिप्ट लिखा करता था, चांस दो ना। ठीक है छठू, थैंक यू भाई। लाइट्स ऑफ। बोलिए आपकी प्रॉब्लम क्या है? शादी। आपकी प्रॉब्लम? पत्नी। ये पीने के बाद इंसान नहीं रहते। मैं इंसान नहीं हूँ ये कहना चाहती है तू? अपनी शक्ल देखिए, कोयल की तरह एकदम काली है, काली है तू। पति देव। चीर दूंगा कलोटी। शादी की शुरुआत में ब्लैक ब्यूटी कहते थे मुझे। अंधेरे में घूमेगी तो तुझे ब्लैक ब्यूटी ना कहकर कटरीना कैफ बनूंगा। मारू मारू। ज्यादा बोलेगी तो मार के थोबड़ा घुमा दूंगा तेरा। आधी रात को खूब पी कर आते हैं, बाल्टी में छेद करके बालकनी में बांधते हैं, ठंडे पानी से नहाएंगे ऐसा बोलते हैं जी। रोमांटिक मूड में रहना भी गलत है क्या? क्या कहते हो? ए, तुम तो बोलो ना। खेत के काम से जाकर बीज बो रही थी तो बिकनी पहनकर बावड़ी में कूदने के लिए बोलते हैं। पत्नी को तैरना सिखाना भी गलत है, आप ही बताइए। दो बियर चढ़ा के कराटे मार के बस सो जाते हैं, संसार कब बसाएंगे बताइए? बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं बोलकर आग पर चलवा चुके हैं जी। पति वरता है तो पैदा होना चाहिए ना। इसलिए नहीं चाहिए जी, ये नहीं चाहिए जी, मैं अलग होना चाहती हूँ। अलग होना नहीं चाहती, उस विनय के साथ जाना चाहती हो? सच बोलो। ये विनय कौन है? इसका पहला लवर, इसी की पेटी से मिला, उसके खून से लिखा हुआ लव लेटर, देखो 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 देखो। ये टेस्ट अच्छा है। सच में? अरे चुप क्यों है, बोलना, बता देना तू उसकी रखेल है। रखेल, बंद कर अपनी बकवास। मेरे विनय के बारे में बोला तो हड्डी तोड़ दूंगी तेरी। मेरा सच्चा प्यार है वो। अगर सच्चा प्यार है तो तूने मुझसे शादी क्यों की? समाज के लिए। क्या? समाज के लिए मैं और शरीर के लिए उसको रखा है? औरत पर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों कर रहा है भाई? जब से शादी हुई है तब से तूने एक बार भी स्मूचिंग की है मुझे? तेरी नहीं तो क्या? एक बार भी फूल लेकर आया है मेरे लिए तू? नहीं लाया। कभी एक साड़ी का पीस लेकर आया या एक चिकन पीस खिलाया? तो फिर क्यों मसाए तेरा संसार? क्या रे, औरत को इतना कमजोर समझता है तू? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तेरा पति नहीं, सर्विस बॉय हूँ, सर्विस बॉय। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे जाना, जा 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 जा। आज तो तुझे फाड़ के खा जाऊंगी। रुक जा, ए काले कोयले की माँ सांड कहेगी। अरे उसको समझाना, मेरे कपड़े। रुक जरा। आज तो तू गया, तेरी चंगली नहीं तोड़ दी आज तो। मेरा माम ने बहुत सताया है तूने मुझे, आज मैं चंडी हो गई हूँ। ये ले, तुझे तो नंगा करके भगाऊंगी मैं। ये ले, मंगलसूत्र पहनाने वाले को ही मार रही है। मंगलसूत्र पहनाने वाला सिंदूर भरने वाला हस्बैंड नहीं, प्यार करने वाला होता है। वो प्यार हमारे बीच कभी रहा ही कहाँ रे? इस दुनिया में सब लोग शादी के बाद प्यार है तो ही घर बसा रहे हैं क्या? वो दिन चले गए, गाली सहो, मार सहो, सब कुछ सहो, अब नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। मुझे ब्रेकअप चाहिए इस कमीने से। आपकी पत्नी करेक्ट है, जहाँ प्यार नहीं वहाँ शादी कैसी? अलग होना ही सही रहेगा। सही कहा। नो। You are wrong. शादी निभाने के लिए प्यार नहीं, फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये खामोशी कितनी बेरहम है उतना ही बेरहम मेरा फैसला है, मैं जानता हूँ। जनरली ऐसे टाइम में शब्द नहीं निकलते हैं कहते हैं, पर मेरे आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे प्यार करना नहीं आता।
और ना ही मुझे जीना आता है। तुम्हें जीना नहीं आता है, अब मैं आगे कैसे जीऊंगी मुझे नहीं पता है। पारू, I'm really sorry, मत बोलो मुझे, क्योंकि जुदा होने के दुख से ज्यादा पढ़ाने वाली मैडम को अपनी माँ समझकर इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मुझे गर्व हो रहा है। बिना कुछ बोले कहाँ जा रहे हो आरव? मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहा करता था, प्यार दो तरह का होता है, एक बताने वाला और दूसरा समझने वाला होता है। लेकिन मेरा प्यार तो तीसरे तरह का निकला, भूलने वाला। ये बात मुझे अब समझ में आई। एक साल हो गया तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब कैसी शर्म बेटी, केक काटो। रुक जाओ, ये हार खुद के लिए पहना रहे हो या हमारे लिए पहना रहे हो? तुम क्या बोल रही हो गीता? जो ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। क्या हुआ माँ? सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए तुम दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बिताओ, ये सही नहीं है। लॉयर शिवाराव से मिल चुकी हूँ मैं। ये देखिए डिवोर्स पेपर्स। लेकिन अब हम दुखों के साथ नहीं, एक जिम्मेदारी के साथ रहना चाहते हैं। मैं भी वही बोल रही हूँ कार्तिक, तुम्हारी शादी में जिम्मेदारी के अलावा प्यार नहीं है। इस मंडप में खुशी है लेकिन तुम्हारे मन में नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अरे स्वाति और तुम दोनों ही मेरे अपने हो, तुम दोनों एक साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा सोचा था, लेकिन तुम दोनों कभी एक नहीं होगे, ये समझ आ गया बेटा? आप ये क्या बोल रही हो, वो तो छोटे बच्चे हैं, शादी को हुए एक साल भी नहीं हुआ है, ये अपने अच्छे और बुरे के बारे में क्या जानते हैं? आप है की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। हाँ जी, वैसे भी ये क्या जानते हैं, इस जनरेशन के बच्चों को समझ ही कितनी है, रामायण गीता महाभारत कभी पढ़ा है इन्होंने? अरे सचिन के बारे में सब जानते हैं पर राम के बारे में नहीं पता, सानिया मिर्जा के बारे में जानते हैं पर सरस्वती जी के बारे में नहीं जानते, इन्हें क्या पता है, पता है छोटा भीम स्पाइडरमैन? अरे इन बच्चों की पूरी जिंदगी गूगल सर्चिंग फोन सर्चिंग इन्हीं सब चीजों से भरी पड़ी हुई है, पूछ के देख लो इससे। एकदम सही कह रहे हैं शर्मा जी, टेक्नोलॉजी से पोल्यूट होकर ये सब बकवास बातें कर रहे हैं, एक बार अच्छे से काउंसलिंग करवाएंगे तो सब सेट हो जाएगा, शुरू कीजिए। काउंसलिंग से सेट होने वाले हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हम कपल्स हैं। असल में हमारी जनरेशन को बिगाड़ने वाली जनरेशन आपकी जनरेशन है। कमाई और नौकरी के चक्कर में अपने बच्चों से आज के मम्मी पापा सिर्फ वीकेंड में मिल पाते हैं, बहुत सारे बच्चों को डैडी केयरिंग से ज्यादा डे केयर में और माँ से ज्यादा आया लोग पालती हैं। दादा दादी नाना नानी का साथ तो रहा ही नहीं, त्योहारों में एक साथ मिलना तो दूर की बात, एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, लोग होटल्स और रेस्टोरेंट में जाके अकेले खा लेते हैं। बच्चे छोटा भीम और स्पाइडरमैन तो जानते हैं लेकिन रामायण और महाभारत के बारे में नहीं। अगर तुम इतने समझदार हो तो एक से प्यार करके दूसरे से फेरे क्यों ले लिए? सात फेरे लिए हैं तभी तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपने पेरेंट्स को उनके संस्कारों को हम अहमियत दे रहे हैं इसीलिए तो आज साथ हैं। अपने प्यार से अलग होने के बाद भी हमने संभलने का फैसला लिया है। नहीं बेटा नहीं, आजकल के पोल्यूशन और रेडिएशन के कारण कोई भी 100 साल नहीं जीता है, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल। बची कुछ आधी जिंदगी को सैक्रिफाइसेस के बिना खुशी से अपने पसंदीदा लोगों के साथ जिंदगी बिताओ। माता पिता ही अगर बढ़ावा देंगे तो हमारी संस्कृति और कल्चर का अपमान नहीं होगा क्या? 40 साल में सचिन को भारत रत्न दिया कहकर 70 साल में लेने वाली वही अमर्त्य सेन को अपमान करना तो नहीं हुआ ना? आप एक बार अच्छी तरह सोचकर तो देखिए कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया क्या सोचेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा सोचकर बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करके ही जी रहे हैं। तुम उनमें से एक मत बनो, वैसे भी तुम्हारी दुनिया ये देश और समाज नहीं है, तुम्हारे अपने हैं, वही अपने लोग अपनी मर्जी से जीने को कह रहे हैं तुम्हें, इसमें सोचना क्या है? असल में इन्हें हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा ही नहीं है। सर मैं सिस्टम के बारे में नहीं बात कर रही हूँ,
हमारे घर में आई परेशानी का हल निकाल रही हूँ। शादियाँ टिकती नहीं है ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। इनकी शादी नहीं टिक पा रही है इसलिए ये फैसला ले रही हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। मुंह मांगी दहेज न मिलने पर रोज रोज झगड़ा करने वाले, बच्चा नहीं हो पा रहा है, फॉरेन नहीं जा पा रहे, इस तरह 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 के इल्जाम लगाकर अलग होने वालों से तो तुम लोग ज्यादा बेहतर हो बेटा। तुम लोग तो मर्जी से अलग हो रहे हो। धरती सूर्य के पीछे घूमती रहती है पर धरती पे रहने वाले हम इंसान प्यार के नाम के दो अक्षरों के पीछे घूमते हैं। बच्चों से दूर होने के बाद भी दादियां जी रही हैं और वो भी सिर्फ प्यार की वजह से। अपने पति को श्वेता ने बदल दिया और उसके पीछे कारण था सिर्फ प्यार। नेत्रा और रामा राव के मिलने की वजह भी सिर्फ प्यार ही था। शादी तो खुद की मर्जी से हुई लेकिन अपने बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ रहने के पीछे वजह भी प्यार ही है और प्यार ही सब कुछ है। प्यार के बिना जिंदगी एक बिना धागे की पतंग है। सो फील द लव फॉरएवर।